अच्छा, मुझे बताइए, इज इट आर फर्स्ट क्लास? या हम पहले क्लास ले चुके हैं? आई एम रियली सॉरी, कितनी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी? अच्छा, पहली है, ठीक हो गया। चले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई एंड गिव यू गाइस अ लिटिल ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग द सिलेबस। ठीक है, मैं आपसे भी सिलेबस खोल के शेयर करता हूँ। ओके, ओके। अच्छा, हियर इज आवर सिलेबस। अच्छा, इस सब्जेक्ट के अंदर चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है उसको मैं कहूंगा गवर्नेंस। ठीक है, अब इस गवर्नेंस की विंडो के अंदर दो चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या चीजें पढ़नी है ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आज का हमारा लेक्चर होगा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस टर्म गवर्नेंस मींस, क्योंकि हमारे लिए अभी तक इस गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसका आइडिया ही क्लियर नहीं हुआ, ना हमें होता है। वी ऑलवेज कंफ्लेट द वर्ड गवर्नेंस विद द वर्ड गवर्नमेंट। हमारे लिए गवर्नेंस वही सब कुछ होती है जो कि हुकूमत काम करती है, हुकूमत के लिए के फैसले, हुकूमत के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस, हुकूमत के अपॉइंट किए हुए लोग, हुकूमत की हुकूमतों के साथ इंटरेक्शन, इसको हम गवर्नेंस का नाम देते हैं। ठीक है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन हम ने नई डेफिनेशन, नई अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व की है कि गवर्नेंस के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि और भी एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्राइवेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि एनजीओज होते हैं। आप आजकल के ज़माने के अंदर देख सकते हैं कि जिस तरह किसी भी चीज़ के ऊपर फैसले लिए जाते हैं, ये जिस तरह के भी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं या जिस तरह से भी बिजनेसेस रन किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ हुकूमतें ही करती हैं या उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है? अगर होता है तो मुझे एक एग्जाम्पल भी दीजिए कि कैसे आपने कहाँ देखा है कि गवर्नेंस के किसी आप कह लें मोड के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो या हुकूमत के अलावा कोई एक्टर इन्वॉल्व हो, बता सकता है कोई? गिव मी एन एग्जांपल। अच्छा, और बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, गुड। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वेरी गुड। और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा मसला बताएं जिसके अंदर प्राइवेट एक्टर्स या हुकूमत के अलावा एक्टर्स इन्वॉल्व हों। आप बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं।
बी स्पेसिफिक। देखें आपको सबको सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आनी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन कोविड-19, राइट? आप सब ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बट कोविड-19, जैसे आप देखते हैं, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर सिर्फ हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व है, इसके अंदर एनजीओ इन्वॉल्व हैं, इसी तरह क्लाइमेट चेंज। तो ये प्रॉब्लम, तो हम इस चीज को जरा एक्सप्लोर करेंगे कि असल में गवर्नेंस का मीनिंग क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम ये समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हमने पढ़ना है कि ये जो टर्म होती है गुड गवर्नेंस क्या होती है। आप लोग सुनते रहते होंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस का क्राइसिस है, पाकिस्तान में गवर्नेंस का निजाम ठीक नहीं है, फलाना फलाना। लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए ना, व्हाट द हेल इज फादर गवर्नेंस? मुझे नहीं पता व्हाट इज फादर गवर्नेंस। खैर, गुड गवर्नेंस हाँ का हम टर्म समझने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ा फेमस टॉपिक भी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि आखिर हम किस किस्म की गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस कहते हैं। देखिए, गवर्नेंस की बहुत सी टाइप्स होती हैं, उनमें से एक टाइप है गुड गवर्नेंस। तो कौन एक गवर्नेंस के सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी खूबियां, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि गुड गवर्नेंस कहलाने के काबिल हो, वो हम ये इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी कि एक गवर्नेंस के अंदर अगर हम पार्टिसिपेशन देखें, अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस देखें, अगर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखें, अगर हम उसके अंदर रूल ऑफ लॉ देखें, तो हम उस गवर्नेंस सिस्टम को गुड गवर्नेंस कहते हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको जरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि गवर्नेंस क्या होती है और गुड गवर्नेंस क्या होती है। ये तो हमारा होगा आज का टॉपिक। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से वो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे गवर्नेंस का कलैप्स या फेलियर हमें पता चलता है। ये हमारा पहला टॉपिक है। लेकिन मैं हमेशा पहले टॉपिक के साथ तीसरा टॉपिक मिला के पढ़ता हूँ। ये जो टॉपिक नंबर वन है और ये जो टॉपिक नंबर थ्री है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये मैं देखेंगे ये सारी चीजें रूल ऑफ लॉ सफिशिएंट है नहीं है। ये हम अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में किसी चीज के नहीं जा रहा कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ना क्या। अच्छा, ये जो तीसरा टॉपिक आपको नजर आ रहा है, गवर्नेंस इंडिकेटर्स लेड बाय वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, ये सारी चीजें, ये असल में पहले टॉपिक का हिस्सा ही है। तो आप इसको दो अलहदा चैप्टर्स मत मानिएगा, वन और थ्री आर एक्चुअली सेम चैप्टर, जिसको मैं गवर्नेंस का चैप्टर कहता हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ना है कि गवर्नेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, राइट? कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको आप ग्रेड्स कहते हैं, कुछ को आप मार्क्स कहते हैं, कुछ को आप GPA कहते हैं, ठीक है? इस तरह की चीजें होती हैं ना, इसी के तौर पे, यानी कि वो इंडिकेटिव होते हैं ना। एक बंदे के 100 में से अगर 90 नंबर आए हैं, वो कुछ और इंडिकेट कर रहा होगा। एक के अगर 100 में से 10 आए हैं, वो कुछ और इंडिकेट कर रहा होगा। इसी तरह गवर्नेंस, एक फला मुल्क के अंदर गवर्नेंस अच्छी है या बुरी है, हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। तो वो ये 6 स्कोर्स हैं, ये 6 इंडिकेटर्स हैं। हम इन 6 को देखेंगे कि इन 6 से कैसे हमें पता चलता है कि एक मुल्क के अंदर गवर्नेंस अच्छी है या बुरी है। अब फॉर एग्जांपल, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एक इंडिकेटर है। पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या स्कोर है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या स्कोर है, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस के अंदर क्या स्कोर है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड देयर क्वालिटी के ऊपर क्या स्कोर है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्या स्कोर है, कंट्रोल ऑफ करप्शन, ये सारे आप कह लें कि सब्जेक्ट्स हैं, सॉर्ट ऑफ हर सब्जेक्ट के 100 नंबर हैं, और पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को उन 100 में से कितने कितने नंबर मिले हैं, उसके मुताबिक उस मुल्क की गवर्नेंस को रेट किया जाता है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? यहां तक कोई चीज मुश्किल आपको लगी हो?
ये हमारा पहला टॉपिक होगा जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको पहले हम पढ़ेंगे ये टॉपिक नंबर 6, ठीक है, जो कि है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने क्या पढ़ना है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमने ये देखना है कि ये जो टर्म है ब्यूरोक्रेसी ये है क्या। हम कहते रहते हैं फला बंदा ब्यूरोक्रेट है, फला बंदा ब्यूरोक्रेट नहीं है, फला ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक है, फला ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक नहीं है। तो आखिर ये ब्यूरोक्रेसी का लफ्जी मानी क्या है, हम किस ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं किसको नहीं कहते। और आपको तो जरूर पता होना चाहिए भाई, आप सब लोग ब्यूरोक्रेटी तो कल को बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्यूरोक्रेसी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहां से शुरू हुई, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसकी कुछ थियोरीज होती हैं, चार थियोरिस्ट हमने इसके अंदर पढ़ने हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड वुड्रो विल्सन, कि इन चार लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या आप कह लें कि ख्याल था उनका, ब्यूरोक्रेसी के बारे में वो ब्यूरोक्रेसी को क्या समझते थे। हर थे, अब ये दे आर नॉट एग्जैक्टली थियरीज, दे आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ दीज फोर पीपल अबाउट ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर क्या सोचते थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, मैक्स वेबर वो बंदा है जिसको फादर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का आइडिया दुनिया को दिया, वो आइडिया जो कि आज दुनिया के अंदर इंप्लीमेंटेड है, तो हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। अच्छा, फिर हमने उसके बाद पढ़ना है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि 1947 से लेके आज 2021 तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने क्या क्या रोल प्ले किया पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यकीनन उसका फायदा जो है आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी होगा। इसी टॉपिक के अंदर हमने ये भी पढ़ना है कि आज तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर या सिविल सर्विस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं, आज हम किन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और हमें मजीद कौन से रिफॉर्म्स चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। ये एक ऐसी डिबेट है जो कि आप हर रोज सुनते हैं, जिसके बारे में आप हर रोज पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक करंट टॉपिक है, तो हमें इस सब्जेक्ट के अंदर इस चीज को डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट की, ये जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का सब्जेक्ट है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसमें रट्टे वगैरह वाली कोई चीजें नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बिल्कुल ड्राई हो या बिल्कुल क्रूड हो, इस तरह का कोई है नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम वो चीजें पढ़ते हैं जो कि हमारी सराउंडिंग में हर वक्त हो रही होती है, जैसे गवर्नेंस मैंने आपको बताया, वो गवर्नेंस इज ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम, ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अराउंड अस, यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, तो आपको इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एनालिसिस पता होना चाहिए। आज हम किन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये जो इसका आखिरी सब टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट ऑफ एथिक्स, इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा होगा दूसरा टॉपिक। ठीक है, और टॉपिक नंबर 3 वुड बी दिस अकाउंटेबिलिटी, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इज टॉपिक नंबर 5। Accountability, एहतसाब, ठीक है, again, it is something which you see, hear, listen to all the time, all day, every day, के पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम, पाकिस्तान में करप्शन का प्रॉब्लम, तो पहले हमें यह तो समझना पड़ेगा ना कि अकाउंटेबिलिटी है क्या। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का क्राइसिस है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ठीक नहीं है, तो एक ठीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना पहले कि व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। इरफान भाई पहले मुझे बताने दीजिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर है क्या क्या, ये जो आपकी चीजें मैं आपको 2 मिनट दी दिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ये नंबर शंबर वाली जो चीजें, तो पहले हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या होता है, एहतसाब का अमल जो है वो एक्चुअली होता क्या है, एक अच्छा एहतसाब कैसे कायम किया जा सकता है। अगेन इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी रेलेवेंट फॉर अस, जो कि हमारे आसपास के
जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। देन कम द टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटीज के, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, लीगल क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होती है, इसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे कि किस किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है। क्यों, हमें तो सिर्फ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की ही पता है कि एक जज ने सजा दे दी तो भाई ये अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी के बहुत सी इकसाम है। फिर हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन अगर खत्म करनी है तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं जिनके थ्रू हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 टॉपिक्स। और अगेन इट इज वेरी रेलिवेंट, इसके अंदर कोई ऐसा रट्टा नहीं है, कोई ऐसी अनरिलेटेड चीज नहीं है। चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, दैट इज दिस टॉपिक नंबर 7, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यू गाइज वॉन्ट टू बी द सिविल सर्वेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड द होल जॉब ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इज टू मेक द पॉलिसीज एंड देन टू इम्प्लीमेंट दम, राइट? सो टू मेक द पॉलिसीज एंड देन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो वट इज अ पब्लिक पॉलिसी। हम किस चीज को पब्लिक पॉलिसी कहते हैं वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिर पब्लिक पॉलिसी किन स्टेप्स के थ्रू गुजर के बनती है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे हेल्थ पॉलिसी है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी है, आप लोगों को ये चीज़ें समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी आपने यही काम करना है, आपका काम या तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा या किसी किसी पॉइंट पे जाके आगे करियर में पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू नो व्हाट इज दिस। ठीक है, तो अगेन इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज इररिलेवेंट। ये 4 टॉपिक्स जो है ना, ये आपके पूरे सिलेबस का आप कह लें कि 70% है। ये हमारे 4 मेन टॉपिक्स। इन 4 टॉपिक्स को जो सही से करेगा वो एग्जाम के अंदर 3 सवाल तो आराम से कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी फिर जो बच जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक चीज मैंने नोटिस की है कि सीएसएस वालों को जो वो है ना, सिलेबस सही से बनाना नहीं आता। वो एक चीज एक टॉपिक के अंदर लिखते हैं, दूसरी जगह वो दोबारा रिपीट कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हमने अब ये जो टॉपिक नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन प्लानिंग, ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आपको लिखी भी नजर आ रही होंगी, लेकिन यहां मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बताता हूं कि हमने डिटेल में अगर कोई चीज पढ़नी है तो वो क्या पढ़नी है। हमने इसके अंदर डिटेल में जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है, ये हम जरा डिटेल के अंदर देखेंगे। प्लानिंग कमीशन क्या है, उसके क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज IMF का प्रोग्राम। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान आज IMF के साथ एक प्रोग्राम के अंदर गुजर रहा है, लेकिन हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। हमें लगता है कि IMF ने हमें पैसे दिए हैं और बस हमने वो पैसे वापस करने, नहीं ऐसा नहीं है। IMF के उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, IMF ने हमसे क्या डिमांड्स की हैं और हमने वो डिमांड्स हमसे क्यों की गई हैं, हम डिटेल में वो IMF का डॉक्यूमेंट जो है एनालाइज करेंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से हमें यह पता चलेगा एक्चुअली कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर मसाइल क्या है और हम उन मसाइल का इदराक आगे फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। अगेन इट इज वेरी रेलेवेंट। हम लोगों को, हम जब पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे हैं, अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया कि पब्लिक पॉलिसी हमने पढ़ना है, तो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक पॉलिसी बनाने वाले इदारे कौन कौन से हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, जिसके अंदर आपका ECNEC आता है, आपका प्लानिंग कमीशन आता है, आपकी कैबिनेट आती है। अब देखें, प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने नाम तो बड़े इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज फेडरल कैबिनेट। कैबिनेट वो होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर के मिनिस्टर्स होते हैं, इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना। प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, अगेन इसकी डिटेल में नहीं जाना। फाइनेंस डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन, ये ऐसी चीजें नहीं, आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। सो इस पूरा जो पहला टॉपिक है इसके अंदर आपको सिर्फ चीजों के नाम पता होने चाहिए, एंड दैट्स इट। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इस सब टॉपिक के अंदर हमने जिस चीज की डिटेल में जाना है वो है प्लानिंग कमीशन क्या काम करता है, लोकल गवर्नमेंट्स,
क्या होती हैं, और आईएमएफ का प्रोग्राम लेटेस्ट वाला। सही हो गया। इसके बाद इसी टॉपिक का हिस्सा है एक और, ये मल्टी लेवल गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब देखिए दोबारा से इसके अंदर कितनी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर पढ़ने वाली क्या चीज है, क्या आप लोगों को ऑलरेडी नहीं पता व्हाट इज नेशनल असेंबली और व्हाट इज सेनेट और व्हाट इज प्रोविंशियल असेंबलीज। वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, आपको ऑलरेडी पता है इसके कितने मेंबरान है। नहीं पता तो एक सिंपल गूगल सर्च से आपको पता चल जाएगा कि हर असेंबली के कितने मेंबर होते हैं। यू गाइज ऑलरेडी नो व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज, व्हाट अ हाई कोर्ट इज, एंड व्हाट इज अ लोअर कोर्ट। इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। आपको सिर्फ मैं आयन के अंदर हवाला दे दूंगा कि पाकिस्तान के आयन में इन ऑफिसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगेन इट इज वेरी रेलेवेंट, हम लोग ये बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें चीजों की समझ नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं कोई चीज तो हमारे ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इदारे पॉलिसी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमें वो चीज समझ नहीं आती। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर जो चीज डिटेल में पढ़ने की जरूरत है वो है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कोई नई चीज नहीं पढ़नी, नथिंग। सिर्फ आपको मैं आइन से रेफरेंस दे दूंगा कि इस कौन से आइन में प्रेसिडेंट का जिक्र है, कौन से आइन के आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र है, कौन से आइन के आर्टिकल में गवर्नर का जिक्र है, जुडिशरी का जिक्र है, लेजिस्लेचर का जिक्र है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें आइन का हवाला जो है हमें पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है आपको? ओके, आखिरी जो दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर, अगेन वन ऑफ देम इट्स अ लिटिल टेक्निकल टॉपिक, फेडरलिज्म, डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने पब्लिक पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है या जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उन लोगों को तो अंदाजा होगा फेडरलिज्म क्या होता है। हम कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? आप लोग सुनते तो होंगे, लेकिन ये क्या होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हम 18वीं तरमीम के ऊपर क्यों इतना जोर देते हैं, ये क्या चीज होती है? हमें इस टॉपिक के अंदर वो पढ़ने का मौका मिलेगा। अब ये आपके लिए रेलेवेंट कैसे है, मैं आपसे एक मिसाल मांगता हूं कि क्या पाकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड निजाम होना चाहिए हुकूमत का या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएं। सेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि पावर विल बी इन वेरी फ्यू हैंड्स, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब यह है कि हर टीयर के पास अपनी अपनी पावर होगी। ठीक है, वेरी गुड। पाकिस्तान के अंदर डिसेंट्रलाइज्ड निजाम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जितना डिसेंट्रलाइज निज़ाम होगा कि फेडरल फॉर्म हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसका भी हेड इमरान खान है, फिर हर प्रोविंसेस की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी जिनके हेड्स उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और फिर उसके बाद एक और टीयर आता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं। ये होता है ट्रू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। क्यों जरूरी है लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जो आम आवाम होती है उनके लिए सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक लोकल गवर्नमेंट होता है ना। क्या हर पाकिस्तानी शहरी की एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर तक या चीफ मिनिस्टर तक? उनको कैसे पता उनके क्या मसाइल हैं? तो एक अच्छा मुल्क का निजाम वही होता है जब आप पावर्स को डिवॉल्व करते हो, जब आप पावर्स को डिवॉल्व करते हो, जब आप एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स बनाते हो, जब उन लोकल गवर्नमेंट्स के पास पैसा भी होता है काम करने का, उनके पास एबिलिटी भी होती है काम करने की, और वो लोगों के भी करीब होते हैं, तो क्या वो लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले करने में वो बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं या एक सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स द लोकल गवर्नमेंट, राइट? तो हमें इस टॉपिक के अंदर इस आइडिया को पढ़ने का मौका मिलेगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि पावर जो है वो एक सेंटर में वो नहीं है, आप कह लें कि एक सेंटर में जमा नहीं हुई भी, उसको आपने फैला दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अपनी पावर है, लोकल गवर्नमेंट्स की अपनी पावर है, ये होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड निजाम। यानी कि कोई ऑटोक्रेटिक निजाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जी पावर डिविजन को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। आखिरी जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रोल ऑफ सिटीजंस इन द गवर्नेंस। ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक इसकी, यानी कि एक आम शहरी गवर्नेंस के अंदर कैसे रोल प्ले कर सकता है, वो हम इसके डिफरेंट आइडियाज देखेंगे। अगेन इट इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुडंट नो, एवरी पाकिस्तानी शुड नो कि एक आम शहरी पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर कैसे रोल प्ले कर सकता है।
जहां तक बात है गुड गवर्नेंस इन इस्लाम की, वो आप लोग ऑलरेडी अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस्लामिक स्टडीज में पढ़ लेंगे, ठीक हो गया। ये हमारा सिलेबस है इसका। अब आते हैं, पहले मैं बात करूंगा इस सब्जेक्ट के रिसोर्सेज की, उसके बाद मैं बात करूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट जो है वो क्यों लेना चाहिए, ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अच्छा चले ले लीजिए, जल्दी वापस आइए, 5 मिनट में वापस आइए। हरीम ने मुझे सबसे पहले कहा था नमाज का, तो आप बता दें चीज बात। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस आउट। ओके चलें शुरू करते हैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट। अब पहले मैं बात करता हूं रिसोर्सेज की। इस सब्जेक्ट की अगर आप सजेस्टेड रीडिंग या सजेस्टेड बुक देखें तो देयर इज अ ह्यूज लाइन जो सिलेबस के अंदर हमें नजर आती है। कोई 22-23 किताबें हैं जो इसके अंदर मेंशन की गई हैं कि आपने फलां फलां चीजें पढ़नी है, व्हिच इज ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वाइट अ लॉट, ठीक है। और ये हर सब्जेक्ट के अंदर, ये किसी इस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, इसके अंदर तो फिर कम है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जिनके अंदर 30-35 किताबें भी हैं, जैसे कि पोलिटिकल साइंस है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन है। तो इन सब्जेक्ट्स, इन बुक्स तक एक्सेस पहली बात है नहीं मिलती हमें, हमें हार्ड कॉपी में नहीं मिलती, क्योंकि मसला ये है कि सब्जेक्ट नया है। ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे पहले वो सब्जेक्ट नहीं था। तो कोई जेन्युइन इसकी कोई बुक नहीं है मार्केट के। एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की मौजूद है, विच इज रियली वेरी क्रैपी, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है सिंपल विकीपीडिया वाली चीजों की, जो कि आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स नहीं है। तो मैं आपको 2-3 सोर्सेज जो बताता हूँ जिनसे आपने पढ़ना है। एक तो पहली होंगी मेरी स्लाइड्स, ठीक है, ये पहला सोर्स होगा। दूसरा, इट्स बीन अ ईयर और मैंने ये चीज़ खुद भी महसूस की है कि कोई इस तरह का कोई ऐसा कन्फाइंड सोर्स नहीं है, मुझे बार बार जो है ना चीज़ें तोड़ तोड़ के पढ़ानी पड़ती हैं। तो वट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर कंपाइलिंग अ बुक, ठीक है, जो And that book contains about 40 books combined. यानी कि आपको उन 40 books में से जो जो पढ़ना है ना, वो आपको एक किताब की शक्ल में मिल जाएगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप हर किताब के अंदर, अब फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने लिखा हुआ है हैंड बुक ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, ये जो बुक नंबर 21 है, आपको इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी किताब पढ़नी है, उसके अंदर कुछ हिस्से पढ़ने हैं। तो जो आपने पढ़ने हैं, जो जो आपकी रेलिवेंट चीजें हैं, जो एक क्वालिटी का रिसोर्स है, एक अच्छे रिसोर्सेज, ये वेबसाइट वाला रिसोर्सेज नहीं, ये विकिपीडिया वाले सोर्सेज नहीं, जो एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स के, ऑथेंटिक किताबों के जो सोर्सेज होते हैं, वो है वर्किंग ऑन इट, वो हम बना रहे हैं, ठीक है। एंड दैट बुक इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इंशाल्लाह रमजान के अंदर आपको अवेलेबल होगी या रमजान के फौरन बाद, ठीक है, वो हमारा होगा दूसरा सोर्स। तो आपको किताब की टेंशन नहीं लेनी, दैट्स ऑन मी, ठीक हो गया, ये होगी दूसरी चीज। और बाकी इसके अलावा अगर आपको जो एक दो किताबें पढ़नी होंगी मजीद बेहतर होने के लिए, वो मैं बता देता होता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आता हूं कि व्हाई शुड यू टेक दिस सब्जेक्ट एंड कंपेयर इट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड समथिंग। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द थ्योरी ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस इज द होल इम्प्लीमेंटेशन। Public administration is theoretical, it's a little dry. While on the other hand, as we have analyzed, ke is ke andar yani ke jo iska syllabus hai, it is very practical in nature. Isme koi aaye baaye shaaye wali baat nahi hai. Ye subject padh ke aapko fayde kya honge? Pehla fayda ye hai ke ye subject interesting hai. Aapko ye padh ke ek jo general awareness paida hogi na aapke andar, jo ek general understanding aur knowledge aayegi, usse aapko baaki cheeze samajhne ka mauka milega. Hum aksar aisi cheeze kitabon ke andar padh rahe hote hain, khabron ke andar sun rahe hote hain, articles ke andar padh rahe hote hain, hame samajh nahi aati ye baat kya kar rahe hain.
आईएमएफ का प्रोग्राम क्या है, एफएटीएफ का प्रोग्राम क्या है, हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है सिर्फ पैसों का लेन देन है, ऐसा नहीं है। आप कल को सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें पता तो होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की शिकायत क्या होती है कि क्यों हमें यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, क्यों हमें आईआर पढ़नी पड़ती है, हमारा क्या काम होगा सिविल सर्वेंट बन के ये सारी चीजें पढ़ के। और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये एक वाहिद सब्जेक्ट है जो कि बना ही सिविल सर्वेंट्स के लिए। आप देखें, अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, आपने यही तो करना है सारी जिंदगी, राइट? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस इज वेरी रिलेवेंट टू यू, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि इस सब्जेक्ट की वजह से आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। पाकिस्तान के अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंदर अक्सर हम क्वेश्चंस देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर फेडरल फिस्कल फेडरलिज्म के क्वेश्चंस देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, 18वीं तरमीम, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, हमें यहाँ पे डिटेल में मौका मिलेगा। गुड गवर्नेंस का क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चंस हम देखते हैं, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा फायदा ऐसे देखें, अगर आप एसेज को एनालिसिस करें इनके टॉपिक्स का, तो गुड गवर्नेंस के ऊपर ऐसे, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर ऐसे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ऐसे, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, करप्शन के ऊपर, ये ऐसे टॉप, डेमोक्रेसीज के ऊपर, ये ऐसी चीजें हैं कि एक बंदा जिसने गुड ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी जितनी आप लोगों की होगी। आप गुड गवर्नेंस के टॉपिक की इच्छी बिच्छी जानते होंगे, तो इसका यह बहुत फायदा और इंटरेस्टिंग है। अब आखिरी बात, जहां तक बात आ गई मार्क्स की, देखें मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं जिस चीज के ऊपर मैं बिलीव करता हूं, ठीक है, समथिंग दैट आई कैन प्रूव, समथिंग दैट आई डू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट आई डू बिलीव इन। देयर इज नो डाउट दैट देयर इज अ मार्किंग ट्रेंड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, वी कांट प्रेडिक्ट इट इन द फ्यूचर, वी जस्ट कैन नॉट। मतलब हमने आज तक ट्रेंड देखा 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है, फाइन, आई गेट इट। बट अब अगर मैं ये कहूं कि उसकी बेस पे आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर ले सकते हैं, तो वो कहना कह सकते हैं आप, लेकिन 100% श्योरिटी उसमें नहीं होती। 2021 का हमने पेपर देखा, हाँ ये हमने चीज जरूर देखी है, एक साल पेपर मुश्किल आता है, एक साल पेपर आसान आता है, ठीक है। 2019 के अंदर पेपर मुश्किल था, 2017 के अंदर पेपर मुश्किल था, 2021 के अंदर पेपर बहुत मुश्किल था, और फिर जो इवन ईयर से उसके अंदर आसान है। 21 के अंदर पेपर मुश्किल नहीं था, आपने बाहर से देखा है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, मैं भी करता हूँ, बहुत घटिया पेपर था, लेकिन घटिया इसलिए नहीं था कि वो अनड्यूएबल था, घटिया इसलिए था कि उसने सिर्फ एक टॉपिक से पूरा पेपर बना दिया, उसने सिर्फ पब्लिक पॉलिसी के टॉपिक से पूरा पूरा पेपर बना दिया, विच इज अनफेयर टू दिस सब्जेक्ट। आप उसने कोई अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की, उसने कोई ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं की, उसने किसी आईएमएफ की बात नहीं की, उसने गवर्नेंस की बात नहीं की। पेपर इसलिए वियर्ड था कि उसने एक ही टॉपिक को इतना बीच में कुरेदा कि आपने पूरा का पूरा पेपर इसमें समझा दिया, बट दैट पेपर माइंड यू वाज नॉट अनडूएबल, दैट वाज राइट, वेरी डूएबल पेपर। मेरे जो पिछला बैच जिनको मैंने पढ़ाया, जिन्होंने इस एग्जाम्स के ऊपर वो किया, जिन्होंने सही से पढ़ा था, वो उन्होंने कहा बहुत अच्छा पेपर हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2022 के लिए दिस सब्जेक्ट इज क्वाइट सेफ। एक तो ये कि इसके अंदर कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि कम लोग लेते हैं ये सब्जेक्ट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने ये ट्रेंड देखा है कि इवन ईयर्स के अंदर इसका पेपर आसान बना, रिलेटिवली आसान बना, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बेस के ऊपर फैसला नहीं लेना चाहिए। आप खुद बताएं, आप सारे माशाल्लाह से समझदार लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं सारे, क्या मैं अगर आपको कह दूं कि अगले साल इसका आसान पेपर बनेगा, क्या मुझे पता होगा? पर मुझे क्या पता यार, हमारा फोकस होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि मैं क्या ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर आपको कह दूं कि जी मैथ्स बहुत स्कोरिंग है, और वो वाकई है, मैथ्स के अंदर बहुत स्कोर आता है, फिजिक्स के अंदर बहुत स्कोर आता है, क्या आप सारे ले लेंगे? नहीं ले सकते यार। तो जो पढ़ सकते हैं वो ले, पहले वो देखा करें क्या मैं ये पढ़ सकता हूं या नहीं, फिर बाकी चीजें देखा करें। गॉट इट? आई होप एवरीबडी हैज रीच्ड ऑन द सेम बेस वेयर आई वांटेड यू गाइस टू बी, एंड आई हैव एड्रेस्ड every question. If you have any other question, I'm happy to answer. I'll give you guys 2 minutes. After that, we're going to start with our first lecture. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट है आपके पास। I'll wait for 2 minutes.
सुमेरा भाई, क्लोज्ड इफ यू मीन इज इट अ सब्जेक्ट लाइक एनवायरमेंटल साइंस? तो नो, इट्स नॉट. ठीक है, इसकी रेलेवेंसी बहुत से सब्जेक्ट के साथ है. आप कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है, ऐसे तो हर सब्जेक्ट के अंदर होती है. तो क्लोज सब्जेक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई इक्का दुक्का ही है पूरे इसके अंदर. नेचुरल साइंसेस क्लोज सब्जेक्ट्स होते हैं. बुक विल बी ऑन मी, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज वॉट आई सेड. विदाउट एनी बैकग्राउंड यू कैन ऑप्ट इट, इट इज एब्सोल्युटली सेफ. आपको कोई थप्पड़ नहीं मारेगा ये, ठीक है, बिल्कुल सेफ है. यू कैन मेक इट योर फ्रेंड. नो वी डोंट. देखो, वो एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं. आप या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं या आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी ले सकते हैं. दूर, सेफ का क्या मतलब है मुझे बताएंगे आप? व्हाट डज सेफ मीन? बुझाई थी, मैं कर चुका हूं. मैंने आपको बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज थ्योरेटिकल, जीपीपी इज नॉट. जहां तक आप बात कर रहे हैं मार्क्स की, आप हिस्टोरिकली उठा के देख लीजिए, 2017 और 18 के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोर था. जीपीपी का अच्छा था, जीपीपी का कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है स्कोर. लेकिन वो बातें पास्ट की हैं. इट इज एग्जैक्टली फॉर दोज पीपल हु मैर हु कांट क्रैम, बिकॉज इट दिस सब्जेक्ट हैज नो क्रैमिंग, नन. इट इज कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. और चल, आई थिंक वंस इट इनफ. क्लासेस आई थिंक 8, 8 ना हुई तो 9 होंगी, दैट्स इट. अली भाई आपके सामने, आप बताएं लेंथी है या नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं. और हम आज सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे मुश्किल है, ठीक है, ताकि आप में से जिसने भागना है वो भाग जाए. खैर ऐसी बात नहीं है, मैं जानबूझ के ये टॉपिक पहले कराता हूँ क्योंकि यही पहले करना चाहिए. सबसे पहले हमें गवर्नेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम बाकी कुछ नहीं समझ सकते. और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है क्योंकि हमें समझ नहीं आती ना गवर्नेंस की टर्म का मतलब क्या है. तो अगर हम ये पढ़ लेंगे तो अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद चीजें सारी बहुत आसान है. तो आर फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, जैसे मैंने आपको बताया था, और मॉड्यूल 1 इज गवर्नेंस. किसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको देखनी है. ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, गवर्नेंस की डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ने लगे हम, वो हम डेफिनेशन को रीच जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है, मतलब आपने अपने जहन में रखनी है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. हमने पहले गवर्नेंस के आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे कि ये किन किन चीजों का नाम है जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं. ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये जो 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए ये गवर्नेंस की कोई डेफिनेशन है. नहीं, ये गवर्नेंस के डिफरेंट फैसेट्स हैं और हमने हर किसी को एक्सप्लोर करना. सबसे पहले, गवर्नेंस रेफर्स टू सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस, रिसोर्स एक्सचेंज, रूल्स ऑफ द गेम एंड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट. अब आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब क्या है, ये इतनी मुश्किल से अंग्रेजी लिखी हुई है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है. आपको जब एक आइडिया क्लियर हो जाएगा, आपको ये सारी समझ आएंगी, तो आई एक्सप्लेन इट टू यू वर्ड बाय वर्ड. What does self-organizing means?
सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ग्रुप जो कि अपने अंदर खुद से इंडिपेंडेंट हो, उसको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क का क्या मतलब है? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क का मतलब ये है कि वो ग्रुप आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करता हो, यानी कि उसका आपस में नेटवर्क हो, और इंटरडिपेंडेंट हो। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक बंदा या एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर डिपेंडेंट हो। कैसे डिपेंडेंट होगा? रिसोर्स एक्सचेंज के ऊपर। एक के पास पावर है तो दूसरे के पास पैसा है तो तीसरे के पास दिमाग है। रूल्स ऑफ द गेम का क्या मतलब है? कि वो कवानीन, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जिनकी बेस में कोई ना कोई फैसले लिए जाते हैं। एंड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट। अगेन, अब हमने वर्ड बाय वर्ड तो समझ लिया, लेकिन अभी भी हमें आइडिया क्लियर नहीं हुआ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। लेट्स टेक द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम जो है वो दरपेश है। आप मुझे ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज का इशू को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से एक्टर्स बीच में इन्वॉल्व है, कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है बीच में? नाम लेते जाइए। मैंने आपसे पूछा है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ईपीए, गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशंस गुड और एनजीओस और एमएनसीज गुड और साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, गवर्नमेंट्स, एनजीओस, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। तो आप एक चीज देखिए कि ये जो ग्रुप है जो सारे रिजॉल्व करते हैं, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, राइट? यानी कि दे ऑर्गेनाइज्ड ऑन देयर ओन। तो पहला हमारा वर्ड क्लियर हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क का क्या मतलब है? इन सबके बीच में एक इंटरेक्शन तो है, राइट? ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरडिपेंडेंट है वे एक दूसरे पे। गवर्नमेंट्स एनजीओ पे डिपेंडेंट है, एनजीओ यूएन पे डिपेंडेंट है, यूएन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, यूएन आईएमएफ के ऊपर। इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसीज है, क्योंकि किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास दिमाग है, किसी के पास टेक्निकल एबिलिटी है, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, राइट? इंटरडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि रिसोर्स एक्सचेंज करते हैं। और रूल्स ऑफ द गेम का क्या मतलब है? किसी ना किसी रूल, किसी ना किसी कानून, किसी ना किसी कवानीन के तहत ये चलते हैं ना। तो ये जो है हमारा क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, इसके रूल्स ऑफ द गेम कौन से होते हैं? क्या आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम ऑफ क्लाइमेट चेंज? गुड, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसे सेट करते हैं, राइट? वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट। देखिए, कभी स्टेट गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है, कभी नहीं होती है। नाउ आर यू गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द टर्म गवर्नेंस मींस? देखें, गवर्नेंस का मतलब हुकूमत नहीं होता, गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, एमेजॉन, कोक, एप्पल। इन सब के अंदर गवर्नेंस का निजाम है। अब वो सब इस पहली स्टेटमेंट के अंदर बैठते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है, उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सब एक दूसरे से के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे से रिसोर्स एक्सचेंज करते हैं। उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनकी सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट है। तो आप ये कहें कि वो गवर्नमेंट उसके अंदर नहीं है, तो क्या उनका गवर्नेंस का निजाम नहीं है? तो ऐसा तो नहीं होता। तो गवर्नेंस इज अ ह्यूज आइडिया। गवर्नेंस आप कह लें कि आपकी कोई भी फैसला लेते हो ना, किसी भी मसले को रिजॉल्व करने का, या कोई भी इदारा बनाते हो, या किसी भी बंदे को अपॉइंट करते हो, ये सब गवर्नेंस की डेफिनेशन के अंदर आती है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा गवर्नेंस और क्या होती है? सो गवर्नेंस इज एक्चुअली द स्टीवर्डशिप ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल रूल्स ऑफ द गेम। देखें, गवर्नेंस के अंदर, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा होता है, तो वो सारे फैसले
फॉर्मल नहीं होते, यानी कि सारे फैसले आयन के मुताबिक नहीं होते, तो कोई ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि इनफॉर्मल इन नेचर होती हैं। इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि वो कानून कोई एक लेसर किस्म का कानून होता है, ये वो कानून है जो कि इनफॉर्मल इन नेचर है। हम आगे जाके इस टर्म को और एक्सप्लोर करेंगे कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कवानीन क्या होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल कानून क्या होगा, हमारा जो आयन है या जो पाकिस्तान के हमारे कानून है। लेकिन इनफॉर्मल कवानीन क्या होंगे कि आपने एक एग्रीमेंट किया है किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, दैट्स एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ये एक इनफॉर्मल किस्म का रूल्स ऑफ द गेम है। तो गवर्नेंस के अंदर फॉर्मल कवानीन भी होते हैं, इनफॉर्मल कवानीन भी होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह गवर्नेंस ऑल्सो रिफर्स टू दोज मेजर्स दैट इन्वॉल्व सेटिंग द रूल्स ऑफ द गेम फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सच रूल्स ओवर सच रूल्स। यानी कि रूल्स को सेट करना भी गवर्नेंस के अंदर आता है। आप अगर एक आयन बना रहे हैं वो भी गवर्नेंस के अंदर आएगा। आयन बनाना इज ऑल्सो गवर्नेंस, कानून बनाना भी इज गवर्नेंस, लोगों के बीच में इदारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करना इज गवर्नेंस। देखें हम हर वक्त दुनिया का हर मुल्क ऑल द टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही तो सेटल कर रहे होते हैं। व्हाट इज पॉलिटिक्स, एक सियासत का असल मकसद क्या है, एक सोसाइटी के अंदर एक मुआशरे के अंदर जो लोगों के दरमियान डिफरेंसेस हैं उनको सेटल करना। अब वो डिफरेंसेस मिलिट्री नेचर भी होते हैं, वो डिफरेंसेस इकोनॉमिक इन नेचर भी होते हैं, वो पॉलिटिकल इन नेचर भी होते हैं, वो सोशल इन नेचर भी होते हैं, वो रिलीजियस इन नेचर भी होते हैं। तो गवर्नेंस का मतलब ये है कि सोसाइटी के मसाइल को रिजॉल्व करना, चाहे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना हो, चाहे लोगों को एजुकेशन देना हो, हेल्थ देना हो, मुल्क की मिलिट्री को बेहतर करना हो, चाहे पैसे बांटने हो, चाहे इकोनॉमी बेहतर करनी हो, चाहे इंडस्ट्रीज लगानी हो, चाहे मुल्क के निज़ाम को आगे चलाना हो, ये सब कुछ गवर्नेंस है। क्लियर है यहां तक? ओके, सो गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम उस तक रीच कर रहे हैं जिस तक मैं आप सबको पहुंचाना चाहता हूं। सो गवर्नेंस एज अ कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल स्टेयरिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉलिटिकल स्टेयरिंग। गवर्नेंस इज एक्चुअली फोकसेस ऑन पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल स्टेयरिंग, दैट इज पॉलिटिकल स्टेयरिंग क्या होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स व्हिच फैसिलिटेट रिजॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स। अब यहां पे एक बात समझिए आप कि इस बात का मतलब क्या है। लेट्स से एक गाड़ी है और चार दोस्तों ने किसी जगह पे जाना है, उन चारों लोगों ने एक ही जगह, अब प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन टू यू गाइज वट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस, एक हकूमत का क्या रोल होता है। अच्छा चले आप मुझे बताएं, वट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस राइट नाउ इन द वर्ल्ड, गवर्नेंस गवर्नमेंट का क्या रोल है? ओके आयशा ठीक कह रही हैं, फैसिलिटेट पॉलिसी मेकिंग। देखें पॉलिसी मेकिंग कोई एक एंटिटी नहीं करती। एमन वेरी गुड, गिव अ डायरेक्शन, एक्सेलेंट, फैसिलिटेट ठीक हो गया। वर्किंग फॉर पीपल तो सब कर रहे होते हैं ना। अच्छा चलें एक मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर COVID-19 ठीक हो गया। COVID-19 के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के अंदर हमारा मार्केट भी इन्वॉल्व है, जो कि मास्क बनाती है, जो कि सैनिटाइजर्स बनाती है, जो कि इनक्यूबेट, जो कि इस तरह के चीजें बनाती है। हमारे हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, हमारे इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे एनजीओज भी इन्वॉल्व हैं, यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सब मिल के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं और सबका अपना अपना काम है। सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, बल्कि गवर्नमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस सब के अंदर गवर्नमेंट का काम है सबको साथ लेकर चलना। सबको साथ लेकर चलने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल स्टेयरिंग करना, यानी कि गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो किसके हाथ में होना चाहिए। ये
गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए. एग्जैक्टली. सो लेट मी पेंट एन एनालॉजी फॉर यू गाइस टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गवर्नेंस इज. चार दोस्त हैं और उन चारों ने एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है, ठीक है. उन्होंने लेट से इस्लामाबाद से लाहौर जाना है. एक दोस्त कहता है गाड़ी में ले आता हूं, ठीक है. वो उसने क्या बीच में इनपुट किया, वो गाड़ी ले आया. दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं पेट्रोल डलवा देता हूं इसके अंदर, ठीक है. उसने पेट्रोल डलवा दिया. तीसरे दोस्त ने कहा कि मैं रास्ता बता दूंगा आपको, क्योंकि बाकी किसी को रास्ता नहीं पता था. चौथे दोस्त ने कहा कि मैं गाड़ी चला लूंगा. अब बात यह है कि अगर आप इन चारों को अलग-अलग कर दें, एक बंदा कहे कि गाड़ी का पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, एक कहे रास्ता में बता दूंगा, एक कहे चला मैं लूंगा, लेकिन चौथा जिसने गाड़ी लानी थी वो लाया ही नहीं, तो क्या वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं? नहीं. इसी तरह अगर पेट्रोल डलवाने वाला ना आए तो क्या गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकती है? नहीं. अगर रास्ता बताने वाला ना आए तो गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकती है? नहीं. अगर गाड़ी चलाने वाला ना आए और बाकी सब आ जाए तो क्या गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच सकती है? नहीं. सो दिस इज द परफेक्ट एनालॉजी ऑफ व्हाट गवर्नेंस इज, कि इसके अंदर आप चार लोगों का जो इंडिविजुअल काम है उसको आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो, एक नेटवर्क बनाते हो. वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. गाड़ी तभी चल सकती है जब गाड़ी होगी, जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल होगा, जब कोई रास्ता बताने वाला होगा. और गाड़ी जो चला रहा होगा वो एक्चुअली क्या होगी? गवर्नमेंट. वो सबको साथ लेकर चलेगी. यू गेट इट? अब जरा आइडिया क्लियर हुआ आपको? गुड. So, अब हम एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग इसके लेते हैं. अगेन दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस. वी हैवंट रीच्ड द डेफिनेशन येट. हम अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे उसकी. सो गवर्नेंस इज एक्चुअली ये एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग है जो अभी तक हमने पढ़ा है. गवर्नेंस इज पॉलिटिकल स्टेयरिंग. गवर्नेंस का मतलब है पॉलिटिकली किसी चीज को स्टेयर करना, यानी कि फैसलों को, इदारों को, लोगों को साथ लेकर चलना. एंड हेंस पर्पसफुल अटेम्प्ट, यानी कि किसी भी चीज का जो अटेम्प्ट है वो क्या होना चाहिए? पर्पसफुल होना चाहिए. हर फैसले का कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए. एट कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन पॉलिसी गोल्स. अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Coordinating individual actions. अभी जो मैंने आपको analogy से एक बात बताने की, समझाने की कोशिश की है, जो गाड़ी वाली मैंने अभी आपको analogy दी है, अगर आप गौर करें तो इन चारों के individual actions थे. एक सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए आया था, एक सिर्फ रास्ता बताने के लिए आया था, एक सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आया था, और एक सिर्फ गाड़ी लेके आया था. ये चारों इंडिविजुअल एक्शन है, राइट? इन सबको इकट्ठा करना और पॉलिटिकली स्टेयर करना, ये गवर्नेंस होती है. सो नाउ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गवर्नेंस इज. एवरीबॉडी क्लियर? गुड. चलें अब हम यहां से थोड़ा थोड़ा तेजी से जा सकते हैं. देखें, गवर्नेंस रेफर्स टू कलेक्टिव सेटलमेंट ऑफ द सोशल अफेयर्स. मैंने आपको बता भी दिया, एक सोसाइटी के अंदर हर किस्म के मसले होते हैं. कुछ मसले सोशल नेचर के होते हैं, कुछ मसले पॉलिटिकल इन नेचर के होते हैं, कुछ मसले इकोनॉमिक इन नेचर के होते हैं, कुछ मसले रिलीजियस इन नेचर के होते हैं. आप लोग अपनी सराउंडिंग में देखते होंगे, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे वो अपर लेवल पे हो, यही मसाइल होते हैं ना इंसान के. उन सब को रिजॉल्व करना, सेटल करना और एक निज़ाम बनाना, वो निज़ाम गवर्नेंस कहलाता है. हमने हिस्टोरिकली दो किस्म की गवर्नेंस, दो किस्म के जो है ना, दो टाइप्स ऑफ गवर्नेंस हमने देखे हैं. किसी को हम हायरार्किकल इंटरवेंशन कहते हैं, किसी को हम नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है. कुछ गवर्नेंस के मोड्स हायरार्किकल कहलाते हैं और कुछ गवर्नेंस के मोड्स नॉन हायरार्किकल कहलाते हैं. अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर एक गवर्नेंस का मोड हायरार्किकल है, यानी कि उसके अंदर हायरार्किकल, तो आप आई होप आप लोग समझते होंगे, हायरार्किकल का मतलब यह है कि पावर जो है वो डिवाइडेड है, यानी कि देयर इज समबडी सिटिंग एट द टॉप, ही मेक्स द डिसीजंस, और वो सारे के सारे फैसले जो है वो
ट्रिकल डाउन होते हैं नीचे तक। हायरार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की कोई मिसाल आपके जहन में है? जी, टॉप डाउन अप्रोच इज हायरार्किकल इंटरवेंशन। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गुड, और आर्मी गुड, ब्यूरोक्रेसी गुड, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, और द गवर्नमेंट इटसेल्फ वेरी गुड, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी, बिल्कुल सही है। देखिए, पुराने वक्तों में अगर हम जाएं तो आज से 100-150 साल पहले आपको क्या लगता है किस किस्म की गवर्नेंस की, हायरार्किकल गवर्नेंस हुआ करती थी या नॉन हायरार्किकल गवर्नेंस हुआ करती थी? पुराने वक्तों में बादशाहते हुआ करती थी, पुराने वक्तों में एक लीडर होता था जिसके हाथ में सब कुछ होता था, तो हायरार्किकल गवर्नेंस हुआ करती थी पुराने वक्तों में, ठीक है। यानी कि फैसले जो है वो रिस्ट्रिक्टेड थे कुछ हाथों के अंदर, एक बंदे के अंदर या एक ग्रुप के पास, वो हायरार्किकल गवर्नेंस हुआ करती थी। देन देयर आर सर्टेन नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशंस टू, नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशन इन कंट्रास्ट टू द हायरार्किकल इंटरवेंशन डज नॉट हैव दैट हायरार्की। इसमें कोई एक बंदा फाइनल डिसीजन मेकर नहीं होता। क्या कोई मुझे नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशन की मिसाल दे सकता है रीसेंट? By misal, I mean, okay, anything. What is your understanding of non-hierarchical intervention? Very good, ठीक है। अच्छा, COVID-19 का भी एक एक ने बात की, एक स्टूडेंट ने, एक्सीलेंट, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। सना, एनसीओसी, यस, वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ अस, एनसीओसी, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी है, जिसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसके अंदर प्राइवेट मार्केट भी है, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, जिसके अंदर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी है, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कोई एक बंदा फैसला नहीं लेता, सब मिलके हर किसी का रोल होता है उस फैसले तक पहुंचने में। ये नहीं कि किसी से पूछे बगैर आप एक फैसला करते हैं और फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशन इज। क्लियर है? तो हमने तीन मोड्स पढ़ने हैं गवर्नेंस के, ठीक है, बट उन तीन मोड्स को पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म गवर्नेंस। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये जो गवर्नेंस का लफ्ज है ना, अब जैसे आपको पता है अंग्रेजी की जो जुबान है वो एक बहुत सी जुबानों का मजमू है, जैसे हर जुबान होती है, ठीक है, जैसे उर्दू बहुत सी जुबानों का मजमू है, इसलिए भी अंग्रेजी भी बहुत सी जुबानों का मजमू है। तो ये जो वर्ड गवर्नेंस है, इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ब गुबरनैन, या एक लैटिन वर्ड होता था गुबरनैर, जो भी आप इसको कह लें, ये उससे डिराइव होके गवर्नेंस का वर्ड बना है। और अगर हम उस ग्रीक वर्ड या उस लैटिन वर्ड का मीनिंग जाने तो वही मीनिंग आज गवर्नेंस का है। गुबरनैन का मतलब होता है किसी भी चीज को पायलट करना या स्टीयर करना, गुबरनैन का भी ये मतलब था किसी भी चीज को पायलट करना, स्टीयर करना या रूल मेकिंग करना। तो भाई गवर्नेंस का जो मैंने भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई है वो भी तो यही है ना, ठीक है। अच्छा, तो हमने तीन बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस पढ़ने, उनके नाम हैं गवर्नेंस बाय हायरार्की, गवर्नेंस बाय मार्केट एंड गवर्नेंस बाय नेटवर्क। ये तीन हमने देखे। इनमें से दो आर हायरार्किकल इंटरवेंशंस एंड एक इज नॉन हायरार्किकल इंटरवेंशन। ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन इज हायरार्किकल इंटरवेंशन एज द नेम सजेस्ट्स। The second one is also a hierarchical intervention, a sub-hierarchical intervention. And the third one is non-hierarchical intervention. So what is governance by hierarchy? What is governance by market? And what is governance by network? We have to learn this. First of all, governance by hierarchy. Now, governance by hierarchy, kis kisam ki governance hoti hai? Aap logon ke zehen mein already ek understanding mein develop ho chuki hai. जब आप सोचते हैं ना तो आधी बात आपको खुद वैसे ही समझ आ जाती है। दैट्स व्हाई यू वुड सी आस्किंग यू मी यू आस्किंग यू गाइस लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछता हूं जिससे आप थोड़ा सोचें, खुद ये चीजें क्लियर हो जाती है।
देखिए, गवर्नेंस बाय हायरार्की का मतलब ये है कि सब कुछ किसके हाथ में, एक सेंट्रलाइज्ड एक बंदे के हाथ में, या सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट इज द रूल मेकर, गवर्नमेंट इज द रूल इंप्लीमेंटर। सो इट स्ट्रेसेस ऑन द रोल ऑफ द फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट आर बाइंडिंग फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट एक्टर्स। यानी कि गवर्नेंस बाय हायरार्की का मतलब यह है कि जब एक बादशाह या एक गवर्नर या एक गवर्नमेंट या कोई भी इस तरह की सेंट्रलाइज बॉडी एक फैसला ले ले, एक फॉर्मल रूल बना दे, वो बाइंडिंग हो जाता है पब्लिक एक्टर के ऊपर और प्राइवेट एक्टर के ऊपर। इन दिस टाइप ऑफ, इन दिस मोड ऑफ गवर्नेंस, स्टेट हैज मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ फोर्स टू ब्रिंग प्राइवेट एक्टर्स इन टू कंप्लाइंस विद द पब्लिक पॉलिसी। यानी कि इस फॉर्म ऑफ हायरार्की के अंदर स्टेट के पास पावर होती है कि वो फोर्सफुली अपने किए हुए फैसले लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करवा सके। एक बादशाह में यही होता था ना कि भाई जो फैसला ले लिया वो ले लिया, प्राइवेट एक्टर से नहीं पूछा, लोगों से नहीं पूछा। क्या लोगों से पूछा जाता था बादशाह जब कोई फैसला लेता था? नहीं, सब कुछ उसके हाथ में था। प्राइवेट एक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता था, मार्केट्स को इन्वॉल्व किया जाता था टैक्स लगाने से पहले? नहीं, तो लगा दिया सो लगा दिया, और फिर उसको इंप्लीमेंट करने की पावर भी सेंट्रली गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, ना सिर्फ यूज ऑफ फोर्स होती है पावर इंप्लीमेंट करने के लिए, बल्कि स्टेट के पास सैंक्शनिंग पावर भी होती है। सैंक्शनिंग पावर का क्या मतलब है? सैंक्शनिंग पावर का मतलब यह है सजा या जजा देने की पावर, कि अगर कोई बात उसको नहीं मानेगा तो उसको सैंक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें गवर्नेंस बाय हायरार्की के अंदर नजर आती हैं कि इसके अंदर हुकूमत के पास पावर्स होती हैं सब करने की। एंड स्टेट प्लेज अ की रोल इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ऑफकोर्स सब कुछ वही कर रहे होते हैं। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग सिर्फ नहीं बल्कि पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी इन्हीं का रोल होता है। बल्कि लोगों की जो जरूरियातें जिंदगी होती हैं, जैसे कि जो बेसिक जरूरियात होती हैं, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, गैस, ये सब कुछ पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नेंस बाय हायरार्की के अंदर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सो इट इज द गवर्नमेंट विच डिफाइन्स लीगल फ्रेमवर्क। एक गवर्नमेंट एक लीगल फ्रेमवर्क देती है, एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, और इसमें किसी और एक्टर का कोई रोल नहीं होता। तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो कि बहुत पुराना है। ये सबसे पहला फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो कि इनफैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी इज गवर्नेंस बाय हायरार्की, हमारी आर्मी इज गवर्नेंस बाय हायरार्की। प्रॉब्लम क्या है इस गवर्नेंस और हायरार्की के अंदर कि इट डीकपल्स पब्लिक एक्टर्स एंड द प्राइवेट एक्टर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने एजुकेशन पॉलिसी बनानी है तो उसके अंदर प्राइवेट एक्टर का कोई रोल नहीं होगा इफ यू हैव अ गवर्नेंस और हायरार्की। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? और अगर आप कहें कि ये अच्छी बात है तो उसका रीजन बताएं, अगर ये बुरी बात है तो उसका भी रीजन बताएं। देखिए, बात यह है ना कि लेट्स से यू वांट टू मेक एन एजुकेशन पॉलिसी एंड विदाउट कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ द टीचर्स, द ओपिनियन ऑफ द स्कूल्स, द ओपिनियन ऑफ द आप कह लें कि एजुकेशनिस्ट जो कि स्पेशलिस्ट्स होते हैं, द स्टूडेंट्स, आप उनकी इंटरेक्शन, उनकी मर्जी के बगैर जो पॉलिसी बनाएंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। तो ये एक मसला है इसका। एग्जैक्टली, इट डजंट केटर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अदर पीपल। ये थी हमारी गवर्नेंस बाय हायरार्की। द सेकेंड वन इज गवर्नेंस बाय मार्केट। पहले हम ये मोड्स समझेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर हमें गवर्नेंस बाय हायरार्की से गवर्नेंस बाय मार्केट की तरफ आने की क्यों जरूरत पड़ी, और फिर गवर्नेंस बाय मार्केट से गवर्नेंस बाय नेटवर्क तक आने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि ये है क्या। अच्छा, गवर्नेंस बाय, उसामा,
डिक्टेटरशिप इज वन पार्ट ऑफ द गवर्नेंस बाय हायरार्की. वी कांट से कि गवर्नेंस बाय हायरार्की में सिर्फ डिक्टेटरशिप ही होती है, ये कहना गलत होगा. ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस बाय हायरार्की आज भी एग्जिस्ट करती है. हमारी फौज अभी भी गवर्नेंस बाय हायरार्की से ही चलती है, एंड दैट्स बेटर, क्योंकि कुछ चीजें आप गवर्नेंस बाय हायरार्की से ही कर सकते हैं, बाकी किसी चीज से नहीं कर सकते. इन चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखेंगे. गवर्नेंस बाय मार्केट. गवर्नेंस बाय मार्केट इज दैट टाइप ऑफ गवर्नेंस जिसके अंदर हु हैज द की रोल टू प्ले, द मार्केट. नाउ व्हाट इज अ मार्केट? क्या मार्केट का मतलब सिर्फ जो बाजार होते हैं या जो फिजिकल दुकानें होती हैं वो होते हैं? नहीं, मार्केट का मतलब ये है कि जो प्राइवेट एक्टर्स हैं उनका रोल ज्यादा होता है, यानी कि दे आर फ्री टू परफॉर्म देयर एक्शंस. अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते हैं कि गवर्नेंस पर मार्केट क्या होती है. आप लोगों से जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उनको जरा बेहतर समझ आएगा इस चीज को. देखें, ये जो हम कहते हैं कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, दिस इज गवर्नेंस बाय मार्केट. व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म में हम क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर होगा फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट? अब फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब है? कि प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू डू द जॉब, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, वट एवर दे वॉन्ट टू सेल, वट एवर दे वॉन्ट टू मेक. इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती हुकूमत की, ये गवर्नेंस बाय मार्केट है. लेकिन इस तरह के निजाम को पहली बात तो ये है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अजम्पशन की जरूरत है. अजम्पशन का मतलब ये है कि अगर वो अजम्पशन ट्रू नहीं होगी, गवर्नेंस बाय मार्केट नहीं चल सकती. और वो अजम्पशन ये है कि लेट से यू गो टू अ मार्केट, तो आप होंगे कस्टमर, और आप जिस दुकान में जा रहे होंगे वो बंदा होगा रिटेलर. आप दोनों का रैशनल होना, यानी कि आप दोनों का समझदार होना बहुत जरूरी है. अगर आप दोनों समझदार नहीं है ना, तो गवर्नेंस बाय मार्केट फेल हो जाती है, नहीं चल सकती. अब इस बात का मतलब क्या है, जरा सोचिएगा. यू हैव 50,000 रुपीज इन योर पॉकेट एंड यू गो एंड यू वॉन्ट टू बाय अ फोन फॉर योर सेल्फ. आपका पर्पज क्या होगा, यानी कि वट शुड बी इन योर माइंड कि मुझे कम से कम पैसों के अंदर एक बेटर क्वालिटी की चीज मिले. ये रैशनैलिटी है ना आपकी, ये आपकी समझदारी है कि आपने कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर चीज लेनी है. और जो दुकानदार है उसकी रैशनैलिटी क्या होगी, व्हाट वुड बी हिज रैशनैलिटी? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं उसकी रैशनैलिटी ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसों में कम से कम क्वालिटी की चीज बेचे, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना. द मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा, बट हाउ कैन ही अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट? कैन ही अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग लेसर क्वालिटी थिंग्स एट अ हायर अमाउंट? नो, ही कांट. ही हैज टू बाय, सॉरी, ही हैज टू सेल मोर प्रोडक्ट्स, एंड द ओनली वे ही कैन सेल मोर प्रोडक्ट्स इफ हिज प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ लोअर प्राइस, so that he can attract more customers. That is his rationality, right? तो वो जितने लोगों को convince करेगा उसके पास ज्यादा profit आएगा, लेकिन वो convince तभी कर सकता है जब उसकी price कम होगी, उसकी quality बेहतर होगी. Clear है? ये इन दोनों की rationality है. ये तो मैंने आपको दो बंदों की बात बताई ना, लेकिन overall एक market के अंदर भी ये rationality होती है. अगर private sector, चाहे वो कुछ भी करता हो, चाहे वो एजुकेशन फराम करता हो, चाहे वो हेल्थ फराम करता हो, चाहे वो कुछ भी देता हो, अगर वो इस रैशनैलिटी से हट जाए तो वो फेल हो जाएगा. अगर कंज्यूमर इस रैशनैलिटी से हट जाए तो वो भी फेल हो जाएंगे. ये गवर्नेंस बाय मार्केट चल ही नहीं सकती. तो ये रैशनैलिटी पहली बात है, होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब ये रैशनैलिटी एग्जिस्ट करेगी ना एक मार्केट के अंदर, मार्केट प्लीज अंडरस्टैंड इज नॉट अ फिजिकल फिनोमेना ओनली, ये एक वर्चुअल फिनोमेना भी है. जब ये रैशनैलिटी एग्जिस्ट करेगी तो फैसले किस चीज की बेस पे होंगे फिर बताएं? व्हेन दिस एग्जिस्ट्स के कस्टमर भी रैशनल है और रिटेलर भी रैशनल है, तो फैसले किस चीज की बेस पे होंगे फिर? क्वालिटी की बेस पे, प्राइस की बेस पे, प्रॉफिट की बेस पे, मैक्सिमम गेन की बेस के ऊपर, राइट? मैं आपको यहाँ पे कैपिटलिज्म समझा रहा हूं कि कैपिटलिज्म क्या है, ताकि आप गवर्नेंस में मार्केट समझ सकें.
लेकिन ये तभी हो सकता है, इट कैन ओनली हैपन व्हेन एवरीवन हैज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दे नीड। अगर एक कस्टमर की जेब में 50,000 रुपए है तो उसको पहले पता तो होना चाहिए ना मेरे पास 50,000 रुपए के मोबाइल की रेंज क्या है। उसको एक बंदा 10,000 रुपए वाला फोन 50,000 रुपए में भेज दे जस्ट बिकॉज दैट कस्टमर डिड नॉट हैव द इंफॉर्मेशन, तो ये भी तो हो सकता है। तो एक गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर जरूरी चीज क्या है कि वो एक ओपन मार्केट हो, एवरीबडी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दे नीड। आप लोग जब एक गाड़ी खरीदते हैं या एक मोबाइल खरीदते हैं तो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन एक ऑलरेडी पहले होती है, राइट, कि मैंने फलां चीज को कंसिडर करना है फलां को नहीं कंसिडर करना। आप आंखें बंद करके तो नहीं जाते ना। आपने अगर किसी बिजली का कनेक्शन लेना है, किसी गैस का कनेक्शन लेना है, किसी इवन मोबाइल की सिम लेनी है, पानी के सप्लायर आपने देखना है, आप सब कुछ कंसिडर करते हैं, राइट, ताकि आप बेहतर क्वालिटी की कम प्राइस की चीज ले सकें। तो ये गवर्नेंस बाय मार्केट है। The governance will be given by the market. The governance will be given to the market. ठीक है, अच्छा, अब before I move on, let me explain it to you. Why do you think we need governance by market? हमने पिछले governance by hierarchy पढ़ा जिसमें हर किस्म की सहूलियात फराहम करना, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो education हो, चाहे वो security हो, वो किसके हाथ में था? हुकूमत के हाथ में था। लेकिन governance by market का मतलब ये है कि ये चीजें किसके हाथ में है? मार्केट के हाथ में। प्राइवेट एक्टर्स जो है बिजली फराम भी कर सकते हैं, गैस भी फराम कर सकते हैं, पानी फराम कर सकते हैं, एजुकेशन फराम कर सकते हैं, हेल्थ फराम कर, जो हम देखते हैं, इट एग्जिस्ट्स राइट नाउ इन आवर वर्ल्ड। वी गो, वी वांट टू स्टडी इन द प्राइवेट स्कूल, वी वांट टू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वी वांट टू अवेल ऑल द प्राइवेट, यू नो, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं। हम मोबाइल भी प्राइवेट एंटिटीज का खरीदते हैं, मोबाइल कनेक्शन भी प्राइवेट एंटिटीज का खरीदते हैं। ये गवर्नेंस बाय मार्केट ही तो है, राइट? This is governance by market. पुराने वक्तों में तो private schools या private colleges, universities तो नहीं होते थे, private hospital तो नहीं होते थे, वो सब कुछ वही होता था जो कि हुकूमत देती थी। My question to you is why? Why do you think we need governance by market? हमें इन चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए market की जरूरत क्यों पड़ी? Yes. एग्जैक्टली क्योंकि देखिए, अगर ये सारे काम हुकूमत करेगी तो हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती ये सारे काम करने की। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लेट्स से एक टाउन है, ठीक है, यानी कि एक शहर है या एक इलाके है, उस इलाके में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाना, जैसे कि हमारा मुल्क है, ठीक है, हमारे मुल्क में बिजली जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पहुंचाना। तो उस इलाके में गवर्नमेंट का प्रोवाइडर है। अब वो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बनाना, लोगों तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। वो महंगी बिजली बेचे, वो सस्ती बिजली बेचे, वो पूरी बिजली बेचे, वो बिजली दे या वो बिजली ना दे, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है कोई और, लोगों ने उसी से बिजली लेनी है। वो जितनी महंगी बेचेगा हम उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। ये गवर्नेंस और हायरार्की की मैंने आपको एक मिसाल दी। फिर उसी इलाके के अंदर हुकूमत ये कहती है कि भाई हमसे ये काम नहीं होता, हम लोगों की जरूरियात जो बिजली की हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, सो व्हाई नॉट लेट द प्राइवेट मार्केट गेट इनटू दिस बिजनेस। हम अपना काम खत्म कर देते हैं, हम प्राइवेट एक्टर्स को कहते हैं कि आप आए अपने बिजली के प्लांट्स लगाएं और लोगों को बिजली फराहम करें। तो लेट से उसी इलाके के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 बिजली के प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, 5 डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, वो अपने अपने प्लांट्स लगाती हैं। तो पहले उस इलाके के लोगों के पास एक ऑप्शन था कि उन्होंने हुकूमत से बिजली लेनी है, अब उनके पास 5 ऑप्शंस हैं। एक प्राइवेट एक्टर क्या कोशिश करेगा कि वो महंगी से महंगी बिजली बेचे? नहीं, उसकी कोशिश होगी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा, अपनी बिजली के प्राइसेस को सस्ता करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसके पास आए। एक ये जो मैंने अभी आपको समझाया था कि वो रैशनल होना चाहिए, इसी तरह कस्टमर का रैशनल होना भी जरूरी है। कस्टमर के पास अब 5 ऑप्शंस हैं, उसकी रैशनैलिटी ये नहीं होगी कि वो सबसे महंगा कनेक्शन खरीद ले, उसकी रैशनैलिटी ये होगी कि वो सबसे सस्ता कनेक्शन खरीदे या सबसे बेहतर क्वालिटी का कनेक्शन खरीदे या दोनों के बीच में एक बैलेंस पैदा करे। तो कौन सा बेहतर है?
गवर्नेंस बाय मार्केट बेहतर है व्हेन द कस्टमर्स हैव मोर ऑप्शंस, बिकॉज जब आपके पास ऑप्शंस होती हैं तो वो ऑप्शंस आपस में कम्पीट करती हैं, जब वो कम्पीट करती हैं तो वो अपनी क्वालिटी को बेहतर करती हैं और अपनी प्राइसेस को लोअर करती हैं, लाइक इंटरनेट कनेक्शंस, लाइक योर फोन कनेक्शंस. जब जैज वॉज द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान, दे यूज टू चार्ज 5 रुपीज फॉर अ सिंगल टेक्स्ट मैसेज, एंड लुक एट अस राइट नाउ, वेयर वी आर राइट नाउ इन मेयर 20 ईयर्स. वो एक अलग बात है हसन, एंड यू आर राइट, वो तो उसकी प्रॉब्लम्स है ना फिर गवर्नेंस बाय मार्केट की, कि वो उनकी अगर अपनी मोनोपोली क्रिएट हो जाए. बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, प्रॉब्लम्स बाद में आएंगी. बट दिस इज द होल आइडिया. तो जब हर कोई अपना मैक्सिमम गेन देखेगा, कस्टमर अपना मैक्सिमम गेन देखेगा, प्राइवेट एक्टर अपना मैक्सिमम गेन देखेगा, तो उससे कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी आ जाती हैं. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्या मतलब है, जैसे कि जब एक स्टूडेंट ने बात की कि मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है. हमने देखा चीनी की मार्केट के अंदर, हमने देखा आटे की मार्केट के अंदर, हम आजकल देखते हैं राइट, ये भी तो मार्केट है ना, इसके अंदर कुछ कंपनीज, कुछ लोग, कुछ अथॉरिटीज अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं, लाइक ऑयल क्राइसिस, लाइक पेट्रोलियम क्राइसिस, जो भी आप कह लें, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं. जो और इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को दूर करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है. तो हमें इस बात से यह भी पता चल गया कि एक गवर्नेंस बाय मार्केट के निजाम के अंदर हुकूमत का क्या काम होता है. हकूमत का काम लोगों तक बिजली गैस पानी पहुंचाना नहीं है, हकूमत का काम है एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसके अंदर सब फेयरली काम करें. आपका काम जो है लोगों तक सहूलियात पहुंचाना नहीं है, आपका काम है मार्केट को स्टेबलाइज करना, जो मार्केट के अंदर खराबी पैदा कर रहा है उस तक पहुंचना. तो स्टेट इंटरवेंशन इज द बेस्ट वे फॉर इंटरनलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज. और स्टेट आपस में कैसे इंटरवीन करता है मार्केट के अंदर, बाय डिफाइनिंग बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के, फलां आप काम कर सकते हैं, फलां आप काम नहीं कर सकते. तो गवर्नेंस बाय मार्केट का यह मतलब नहीं है दैट स्टेट हैज नो रोल टू प्ले, दे हैव अ वेरी की रोल टू प्ले टू स्टेबलाइज द मार्केट, बट लेट द मार्केट डू इट्स ओन जॉब, उनको फ्रीली काम करने दें. ठीक है, तो गवर्नेंस बाय हायरार्की और गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर जो है ये फर्क है. और गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर दिस इज द कनेडियन स्कूल ऑफ थॉट. और जिसको ये टर्म समझ नहीं आई वो कोई मसला नहीं है, आयशा का आई थिंक इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो ये इस तरह की बातें इसलिए कर रही है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कनेडियन स्कूल इज, सही है. So this is the difference between governance by hierarchy and governance by market. Governance by market के अंदर hierarchy किसकी है, market की. Governance by hierarchy के अंदर किसकी hierarchy है, हुकूमत की. लेकिन governance by market के अंदर state का बहुत बड़ा role है. और वो कैसे है, वो basic rules and regulations बनाती है और उसमें rules की implementation करना बहुत जरूरी है. Are you guys clear on governance by market? If you guys have any question from by hierarchy or by market, please ask me. Now is the time. दुनिया के हर मुल्क के अंदर governance by market का structure follow होता है. देखें, there is no country in the world जिसके अंदर सिर्फ कोई एक ही governance का model हो. ये सारे models इकट्ठे एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, क्या नहीं समझ आ रहा आपको? अच्छा, ये कितने हैं जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बता देंगे थोड़ा? बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट हियर. नहीं, मुझे सिर्फ वो बताएं जो कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आया. एक तो ये रवैया होगी और अच्छा एक ही है अभी तक कोई स्टूडेंट, ठीक हो गया. ओके, सो दैट वाज गवर्नेंस बाय मार्केट.
Now we'll move on to governance by network. Now, what is governance by network? Governance by network एक ऐसा मॉडल है जिसको हम नॉन इंटरवेंशन हसन भाई इतनी मुश्किल बातें ना करें सारों के सामने, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आप ये बाकी के लिए रेलेवेंट नहीं है ना. तो अब गवर्नेंस बाय नेटवर्क क्या होता है? गवर्नेंस बाय नेटवर्क एक ऐसा मॉडल है जो कि इंटरवेंशनिस्ट मोड नहीं कहलाता, ये एक नॉन इंटरवेंशन मॉडल है. ठीक है, दिस मोड इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एक्टर्स. इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक एंटिटी फैसला करती है और दूसरी एंटिटी फैसले को आप कह लें कि इंप्लीमेंट करवाती है सर. ठीक है, तो ये गवर्नेंस बाय नेटवर्क को समझने से पहले हमें ये तो पता होना कि भाई ये नेटवर्क क्या होता है. जैसे हमें हायरार्की का पता था, इसका मतलब है कि सब कुछ स्टेट है, मार्केट का मतलब है सब कुछ प्राइवेट एक्टर्स हैं. ये नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क्स आर डिफाइंड एज स्टेबल सेट ऑफ स्टेबल. पहली बात है कि ये स्टेबल होते हैं. स्टेबल का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, या किसी कंपनी का नाम है ये, या किसी कुर्सी का नाम है ये, या किसी कमरे का नाम है. नहीं, नहीं. स्टेबल का मतलब ये है कि दे एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स उनके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं. दे वॉन्ट टू अचीव डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव का मतलब ये एक दूसरे से मुख्तलिफ काम अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका गोल सेम होता है. ये होता है नेटवर्क. Can anybody give me an example of a network? कि जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट एक्टर भी हो, जिसमें सब अपना अपना गेन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअली उनकी पॉलिसी गोल एक जैसा हो. Anyone? जी, स्टेक होल्डर्स. मैंने आपको तो समझा दिए कि उसके अंदर पब्लिक स्टेक होल्डर भी होता है, प्राइवेट स्टेक होल्डर भी होता है. पर इफ यू हैव एनी ओके सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एक्सीलेंट और पोलियो एडुकेशन प्रोग्राम वेरी गुड और इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है जो कि हमारे सामने है अभी, जो कि ऑलरेडी आप लोग बोल भी चुके, दैट इज एनसीओसी. ठीक है, एनसीओसी के अंदर पब्लिक एक्टर्स भी हैं, प्राइवेट एक्टर्स भी हैं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं. देखें एनसीओसी के अंदर बैठे हुए मार्केट का क्या काम है? मार्केट जो बैठी हुई है, यानी कि वो लोग जिन्होंने लोगों तक वैक्सीन्स पहुंचानी है, वो लोग जिन्होंने लोगों तक मास्क पहुंचाने हैं, जिन्होंने लोगों तक सैनिटाइजर्स पहुंचाने हैं, उनका क्या एम होगा उस नेटवर्क के अंदर? वो क्या चाहेंगे? व्हाट वुड दे वांट? प्रॉफिट. एग्जैक्टली. इसी तरह उस नेटवर्क के अंदर बैठी हुई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या रोल होगा? उनका रोल होगा कि लोगों तक बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचे. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का क्या रोल होगा? कि लोगों वो हमें बताएं कि आपने किस किस्म की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं. गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? इन सबको साथ लेकर चलना है. सब अपना अपना डिस्टिंक्टिव काम करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली इन सब का गोल एक ही है, COVID-19 को खत्म करना. दिस इज व्हाट अ नेटवर्क इज. और दे आर ऑल अराउंड अस, वेदर इट इज IPPs, वेदर इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, वेदर वी वांट टू इरेडिकेट क्लाइमेट चेंज, वेदर वी वांट टू इरेडिकेट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड, whether it is COVID-19, whether it is improving education or health, it is all around us. ठीक है,
सो जो एक पॉलिसी नेटवर्क के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज भी शेयर करते हैं और एडिशनल रिसोर्सेज भी आते हैं। इस गवर्नेंस बाय नेटवर्क यानी कि इस मोड ऑफ गवर्नेंस की खास बात यह है कि इसमें रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द गवर्नेंस बाय हायरार्की एंड गवर्नेंस बाय मार्केट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब फैसला साजी के अंदर शामिल होते हैं। गवर्नेंस बाय हायरार्की के अंदर सारे रिसोर्सेज किसके होंगे? हुकूमत के। गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर किसके होंगे? प्राइवेट सेक्टर के। इसके अंदर सबके हैं और इसमें कोई किसी की मर्जी से यानी कि सबके इंटरेक्शन से फैसला होता है। जो खासियत पॉलिसी नेटवर्क्स की होती हैं, जो खासियत गवर्नेंस बाय नेटवर्क की हैं, वो बाकी नेटवर्क बाकी गवर्नेंस मोड्स की नहीं है, क्योंकि पॉलिसी नेटवर्क्स के अंदर शरीक लोग लोगों तक यस देखें अगेन आई कांट जस्ट पिन पॉइंट टू यू समथिंग कि दिस इज यू नो गवर्नेंस बाय नेटवर्क एंड दिस इज गवर्नेंस बाय हायरार्की। आप लोग सारे यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, आपके इन 4 सालों की यूनिवर्सिटी के दौरान आपकी यूनिवर्सिटीज में कई कॉन्फ्रेंसेज हुआ, कभी आपने सोचा है वो कॉन्फ्रेंसेज क्यों होती थी? उन कॉन्फ्रेंसेज का मकसद क्या होता था? मतलब आपका खाना खाने के अलावा उसका और क्या मकसद होता था? ठीक है, इंटरेक्शन। उसके अंदर इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट भी इन्वॉल्व होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट से लोग भी आए हुए थे, उसके अंदर इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन से लोग भी आए हुए थे, उसके अंदर प्राइवेट मार्केट से अंदर लोग भी आए हुए थे। तो क्या करते हैं हम, अब प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं कि हमें उसमें इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो आपके पास ज्यादा जारी बात है, यू विल हैव डिफरेंट आइडियाज, यू विल हैव मोर वाइब्रेंट आइडियाज टू मेक बेटर पॉलिसीज। तो ये गवर्नेंस बाय नेटवर्क की खासियत होती हैं। सॉरी, क्या हो गया इसको? सो गवर्नेंस में नेटवर्क के अंदर किस चीज के ऊपर रिलायंस की जाती है? नेगोशिएशंस। आपने अगर कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनानी है, कोई भी पब्लिक पॉलिसी डेवलप करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, आप क्या करोगे? निगोशिएट करोगे आपस में, यानी कि एक दूसरे की बात सुनोगे, ना कि अपना फैसला दूसरे के ऊपर थोपोगे। क्या हम COVID-19 का प्रॉब्लम गवर्नमेंट अकेले रिजॉल्व कर सकती है पाकिस्तान में? नहीं कर सकती। हमारे प्राइवेट एक्टर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे रिसर्चर्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे लिए हमारे डॉक्टर्स बहुत जरूरी हैं, हमारे लिए सारे लोग बहुत जरूरी हैं। ठीक है, सो इट एम्फसाइजेस ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव ट्रस्ट अपॉन ईच अदर। आपका एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपके दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका एक दूसरे से ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप एक दूसरे के रिसोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करोगे। और ये एक आई वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ई वाला कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव द पावर, क्योंकि गवर्नमेंट्स की क्या खास बात होती है? दे हैव द पावर बट दे डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव द ब्रेन। तो उनको पैसे प्राइवेट एक्टर देता है, उनको ब्रेन जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, दे हैव द पावर। तो जब सारी चीजें मिल जाएंगी, एक दूसरे के रिसोर्सेज कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे।
You get it? Now we have an understanding of what is the governance and hierarchy, governance by market and governance by network. Any questions on these three modes of governance? Clear? चलो, that's excellent. इतनी मुश्किल बातें आपको समझ आ रही हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा होगा, जारी बात है अपने लिए भी, बिकॉज दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. यस, दे डू को एग्जिस्ट. अच्छा हाँ, वो एक बात जो आपको बताना मैं भूल गया, दे डू को एग्जिस्ट. कैसे? पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर ये चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस बाय हायरार्की भी हमें नजर आता है. गवर्नेंस बाय हायरार्की हमें कहाँ नजर आता है? आपने खुद बताया ब्यूरोक्रेसी के अंदर नजर आता है, आपने खुद बताया पाकिस्तान की फौज के अंदर नजर आता है. फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर गवर्नेंस बाय मार्केट नजर आता है, जिसके अंदर मार्केट इज फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट. जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, उसके अंदर गवर्नेंस बाय मार्केट हमें नजर आता है, राइट? फिर कुछ ऐसे ही चीजें हैं जिसके अंदर हमें गवर्नेंस बाय नेटवर्क नजर आता है, जैसे कि हेल्थ है, जैसे कि एजुकेशन है. कुछ ऐसे आप जैसे एक मुल्क की सिक्योरिटी है, एक मुल्क की सिक्योरिटी के लिए यानी कि सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनाने के लिए आपको कौन से गवर्नेंस का मॉडल सबसे बेहतर लगता है? गवर्नेंस बाय मार्केट, गवर्नेंस बाय नेटवर्क और हायरार्की? नो, गवर्नेंस बाय हायरार्की. देखिए, मुल्क की सिक्योरिटी इज अ सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ अ टॉपिक, राइट? सो व्हाट मैटर्स, इट डजंट मैटर कि आपके मुल्क में कौन सा मोड है. व्हाट मैटर्स कि आपने किस प्रॉब्लम के लिए या किस एरिया के लिए कौन सा मोड चुना है. ठीक है, चलें. अब हमने इनके मोड्स तो समझ लिए, अब हम ये समझेंगे कि भाई आखिर हमें यानी कि दुनिया को हिस्टोरिकली गवर्नेंस बाय हायरार्की से मार्केट की तरफ आने की जरूरत क्यों पड़ी? गुड, नाउ दैट वाज वेरी गुड एग्जांपल आमिर. दैट इन माय व्यू वाज नेटवर्क मॉडल. यस, क्योंकि उसके अंदर एक ओवरऑल हमें ओपिनियन मिली. वेरी गुड. एंड दैट वाज इन अ नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग. उसका नाम एक्चुअली था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग. ठीक है, लेट्स कीप इट दैट वे. But yes, you're absolutely right. So, but what happened in the past? कि हमें governance by hierarchy से पहले market को explore करना पड़ा, फिर market से network तक हम पहुंचे. क्यों? ये एक थोड़ा सा historical हमें पता होना चाहिए. मैंने भी आपको बताई थी नूर, जैसे for example हमारा telecom sector है, वो एक governance by hierarchy market का model है. उसके अंदर market आजाद है, टेलीकॉम सेक्टर आजाद है अपनी पॉलिसीज खुद बनाने में, अपनी पॉलिसीज खुद इंप्लीमेंट करने में. मार्केट हुकूमत क्या करती है कि वो एक बैलेंसर का किरदार अदा करती है गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर, मेंटेन करती है कि कोई उस डोमेन से बाहर ना निकले. बाकी मार्केट आजाद होती है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर या नहीं है? टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कौन कौन आता है? ये जैज, टेलीनॉर, वारिद, ये जितनी भी है. ठीक है, सो व्हाई डिड वी एक्चुअली नीड इट? अगर हम दुनिया में थोड़ा सा पीछे जाएं, ज्यादा पीछे नहीं, फॉर एग्जांपल इफ वी गो 100 इयर्स बैक, तो द मोस्ट डोमिनेंट मोड ऑफ गवर्नेंस इन द वर्ल्ड वाज गवर्नेंस बाय हायरार्की, राइट? एट दैट टाइम फ्यू कंट्रीज हैव हैड, यू नो, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड monarchy or autocracy or dictatorship. ठीक है, और जिन कंट्रीज के अंदर नहीं भी थी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज नहीं, जैसे कि अमेरिका था, जैसे कि यूके था, जैसे कि जर्मनी था, जहां पे डिक्टेटरशिप नहीं थी, तो वहां पे हुकूमतें ही सब कुछ होती थी, यानी कि हुकूमत ही सारे फैसले करती थी, वही इंप्लीमेंट करती थी. तो 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 ये वो दौर है जहां पे कौन सा मोड ऑफ गवर्नेंस डोमिनेंट था? गवर्नेंस बाय हायरार्की. इसमें सारे फैसले या बादशाह करता था, या वो ग्रुप ऑफ पीपल करते थे, या हुकूमत करती थी, सब कुछ.
लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू आपने यकीनन मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशंस की क्लासेस ली होंगी, तो वो उसके अंदर हम बात करते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड जो थी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो वर्ल्ड थी, वो एक डिफरेंट दुनिया उभर के सामने आई। क्योंकि जब दुनिया में अमन पैदा हुआ, एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं, एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा है, एक तरफ लोगों की आपस में, उस टाइम लोगों की आबादी भी बढ़ रही थी, ठीक है, तो दुनिया में लोगों की जरूरियात बदलने लगी। अब आप खुद सोचे ना, एक मुल्क के अंदर अब लोग चाहते हैं कि हमारे पास बेहतर से बेहतर गाड़ी हो। ये मैं बात कर रहा हूँ 1960 की, 1970 की। लोगों की आबादी बढ़ रही है तो उनका आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है। जब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उनकी आबादी बढ़ रही है, तो उनकी जरूरियात जिंदगी भी बढ़ रही है। अब वो चाहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन हो, वो चाहते हैं हमारे पास क्वालिटी हेल्थ हो, वो चाहते हैं हमारे पास सस्ते से सस्ता पानी हो, सस्ते से सस्ती बिजली हो, सस्ते से सस्ती गैस हो, बेहतर से बेहतर गाड़ी हो। और ये सारे काम करना किसकी जिम्मेदारी थी उस टाइम? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमसे तो ये सारे काम नहीं होते, बिकॉज इट इज आउट ऑफ आवर कैपेसिटी नाउ, कि आने वाले वक्तों में ऐसी दुनिया पैदा हो रही है कि जहां पे दुनिया की जरूरियात बढ़ रही हैं, लेकिन वी आर फेलिंग टू एक्चुअली फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। सलाम वालेकुम, आ जाए। चाय लें, पानी चले भी लें। सो बताना, मैं आपको ये चाह रहा हूं, ड्यूरिंग 1970s द फोकस वाज इंप्रूविंग द एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटीज ऑफ द हायरार्की ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अपने अंदर रिफॉर्म, बेहतर अपने आप को करने की कोशिश की, ठीक है, बट वो नहीं कर सकते थे, दे वर नॉट अप टू द मार्क। लोगों की जरूरियात उनकी उनकी पहुंच से बाहर थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की कॉम्प्लेक्स किस्म की जरूरियात को वो पूरा कर सके। और उस टाइम पे, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, गवर्नेंस कॉरेस्पॉन्डेड बाय द गवर्नमेंट, विच वॉज हायरार्किकल स्टेयरिंग ऑफ द सोसाइटी थ्रू द स्टेट इंटरवेंशन। यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट करती थी, कैसे, अपने सरकारी इदारों के थ्रू। लेकिन क्या हमने देखा, हाउ एवर ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s विद द इमर्जेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अनएक्सपेक्टेड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे? दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का दौर था, दुनिया में आपस में ट्रैवलिंग बढ़ गई थी, दुनिया में ट्रेड बढ़ गया था, दुनिया में जब आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है ना, तो नए सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, इस्लामोफोबिया, ठीक है, रेस वाले इश्यूज, तो इस तरह के दुनिया में प्रॉब्लम्स आने लग गए थे, और स्टेट वॉज फेलिंग टू फुलफिल दोज प्रॉब्लम्स। हायरार्की बेस्ड गवर्नेंस फेल्ड टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द इमर्जिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट। यहां वी हैव सेट द ग्राउंड ऑफ व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ 1960s एंड 1970s। यानी कि गवर्नेंस बाय हायरार्की स्टार्टेड टू फेल। सो जो उस टाइम की, जो कॉन्सिक्वेंटली जो टॉप डाउन पॉलिसी है, टॉप डाउन अप्रोच किसकी होती है? गवर्नेंस बाय हायरार्की की। The top-down policy making based on command and control instruments and coercive techniques of policy implementations. ये सारी किसकी खासियत है? Coercive techniques कौन अपनाता है? Governance by hierarchy. वो old fashion और ineffective कहलाई गई कि आज की दुनिया के पैदा होने वाले नए मसाइल को, यानी कि लोगों की वेलफेयर को पूरा करना इसके बस की बात नहीं थी। दुनिया की जो, दुनिया के अंदर मौजूद जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच थी, जो गवर्नेंस बाय हायरार्की की अप्रोच थी, वो फेल हो रही थी। और उसी दौर में, उसी 1960s 1970s के दौर में हमने ये भी देखा कि जहां स्टेट की परफॉर्मेंस तबाह हो रही थी, जहां गवर्नमेंट्स लोगों की जरूरियात पूरी करने पे फेल हो रही थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर उसी मार्केट के अंदर बूम कर रहा था। 1960s 1970s के अंदर हमने दुनिया में कई बड़ी कंपनीज का कयाम होते देखा। आज की दुनिया की जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, चाहे
चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे वो कैलटेक्स हो, चाहे वो शेल हो, उसी दौर में ये उभरना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, तरक्की करना शुरू हुई, प्रॉफिट गेन करना शुरू हुई। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसी दुनिया के अंदर रहते हुए हमें नुकसान हो रहा है, हम लोगों तक बेसिक नेसेसिटीज नहीं फराहम कर पा रहे और ये तरक्की कर रहे हैं। तो क्यों, व्हाई डू यू थिंक कि उसी दुनिया के अंदर, उसी एक टाइम के अंदर प्राइवेट मार्केट्स वर ग्रोइंग व्हाइल द गवर्नमेंट वाज फेलिंग? व्हाई? यस मरीम, हम यही पढ़ रहे हैं, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वुड कम टू वर्ड्स कैपिटलिज्म, दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। बट माई क्वेश्चन टू यू इज अगैन, आई एम गोइंग टू रिपीट टू यू गाइस, कि क्यों ये कंपनीज जिनके मैंने नाम लिए हैं ये तरक्की कर रही थी, लेकिन स्टेट लोगों तक बिजली, गैस, पानी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ पहुंचाने में फेल हो रही थी? व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैव द कैपेसिटी। सिंपल। चले, एवन आपका बिल्कुल ठीक आप बात कर रही है, सिंपल सा इसका जवाब यही है कि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं थी। गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द मनी, दे डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव द न्यू टेक्नोलॉजी, दे डिड नॉट हैव द अ न्यू विजडम दैट वाज रिक्वायर्ड, वेल प्राइवेट सेक्टर हैड इट। तो आपने, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट्स ने, यानी कि उस टाइम पे सर्विस डिलीवरी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल वही बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं थी अच्छी, तो फिर गवर्नमेंट्स ने क्या सोचा कि अगर हमने अपने आप को बेहतर करना है? उस टाइम की हुकूमतों ने यह सोचा कि अगर हमने अपने आप को बेहतर करना है तो हमें क्या करना होगा? व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट्स हैड टू डू बैक देन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी नाउ यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। देखें, चले मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ ताकि हमें समझ भी तो है ना। देखिए, उस टाइम पे की जाती थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? यानी कि हर चीज को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रिंग समथिंग एंड मैनेजिंग समथिंग। तो दुनिया का शिफ्ट, यानी कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आया फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। प्लीज नोट इट डाउन। उस टाइम की दुनिया ने यह सोचा कि अगर हमने दुनिया के मसाइल को, यानी कि हुकूमतों ने अपने आप को अगर बेहतर करना है तो उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, उनको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अप्रोच को अपनाना चाहिए, जिसको बोलते हैं NPM अप्रोच। ठीक है, NPM अप्रोच को अपनाना चाहिए। तो हुकूमत तो ने अराउंड द वर्ल्ड ये सोचा कि NPM को हमने अपनाना है, और NPM के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। हाउ डू यू इंप्लीमेंट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? आप दो चीजें करते हो, फर्स्ट इज मार्केटाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वी हैड टू मूव टुवर्ड्स न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? थैंक यू। तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं, मार्केटाइजेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड आपने बिल्कुल ठीक समझा कि मार्केटाइजेशन का मतलब यह है कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं प्राइवेटाइज करता हूँ। अगर हुकूमतें बेहतर तरीके से रेलवेज नहीं चला सकती, पोस्टल सर्विसेज नहीं चला सकती, अगर बेहतर तरीके से एजुकेशन नहीं चला सकती, गैस नहीं पहुंचा सकती, बिजली नहीं पहुंचा सकती, भाई मार्केट प्राइवेटाइज कर दो, मार्केट्स खोल दो, कंपनीज आएंगी, वो एक दूसरे से कंपीट करेंगी, लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। यस, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया था, वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो मार्केटाइजेशन का मतलब ये है मार्केट को गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड करो, ये है मार्केटाइजेशन,
यानी कि मार्केट की इन्वॉल्वमेंट आप प्राइवेटाइज कर दो वो चीजों को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये है कि जिन कवायद के ऊपर, आई होप इट्स अ राइट वर्ड, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर मार्केट चलती है, उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर गवर्नमेंट चलाई जाए। आप मुझे बता सकते हैं जो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, जो मल्टी नेशनल फर्म्स हैं, ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपना काम अपने काम सर अंजाम देती हैं? What do you think are the principles that are being followed around the world by the private market, the big MNCs, the Apple, the Coke? Why do you think they are so successful? गुड प्रोविजन ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड, और मैं आपको कह रहा हूं उनके उसूल क्या है, उनके कवायद क्या है, वो किन कवायद पे चलती हैं? कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मेरिटोक्रेसी। एक्सलेंट, यस, दैट्स द सेकंड वन। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा होता है, एक मेरिटोक्रेसी होता है, और क्वालिटी के ऊपर फोकस, यस, और नॉन परमानेंट जॉब्स। नॉन परमानेंट जॉब्स भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा है। प्राइवेट मार्केट के अंदर कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अकाउंटेबिलिटी होती है उसके अंदर, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है। ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से प्राइवेट मार्केट ने तरक्की की। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जिस बेस पे वो चलते हैं, हम भी उसी बेस पे चलेंगे। तो दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, ठीक है? सो नाउ डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज? ओके, सो उस टाइम की दुनिया में हो क्या रहा था? उस टाइम की दुनिया में एक तरफ तो ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी कि भाई हमसे ये काम नहीं होगा, गवर्नमेंट्स ने कहने लग गया था, और छोटी मुल्कों के गवर्नमेंट में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के बड़े मुमालिक के अंदर ये सोच पैदा होनी शुरू हो गई थी कि वी नीड टू मूव टुवर्ड्स न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उस टाइम के द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोनल्ड रेगन, और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम मार्गरेट थैचर, ये वो दो लोग थे जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के आइडिया के ऊपर यकीन रखते थे, जो कि कहते थे कि हमें अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ मूव करना है। तो जब एक मुल्क की लीडर की ये सोच होगी, तो ऑफ कोर्स देन एवरीथिंग वुड फॉलो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ऐसा निजाम पैदा किया कि जिसके अंदर मार्केट को लिबरलाइज किया उन्होंने, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू की। और ये वो दौर है जब हमने दुनिया में एक वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन देखी, और उस वेव ऑफ प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट्स को ये पता चल गया, बिकॉज दीज डेवलपमेंट्स, यानी कि उन मुल्कों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, ये डेवलपमेंट थी, और फिर उन मुल्कों के अंदर ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स आना, क्या हुआ कि दीज डेवलपमेंट्स बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस दैट स्टेट शुड डेलीगेट दोज टास्क दैट इट कुड नॉट फुलफिल इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर टू द प्राइवेट एक्टर्स, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस। भाई आप लोगों तक सस्ती गैस नहीं पहुंचा सकते, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू इट। सो क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1980s पोलिटिकल अटेम्प्ट टू रिड्यूस हायरार्किकल गवर्नेंस, और इंस्टेड क्या किया कि मार्केट के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई, जिसका मतलब यह था कि द गवर्नमेंट नो लॉन्गर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज देमसेल्स, बट रिड्यूस देयर रोल टू एस्टैब्लिशिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अब आपको ये हम फूई बातें जो हम कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमसे नहीं होते, प्राइवेट एक्टर को दे दिया, और गवर्नमेंट ने अपने आप का क्या रोल चूज किया कि बजाय इसके कि हम एक इंटरवेंशनिस्ट गवर्नमेंट बने, हमें क्या होना चाहिए, एक रेगुलेटरी स्टेट होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए, रेगुलेट करना, बस मार्केट को रेगुलेट करना हमारा काम है, बाकी लोगों तक सहूलियात पहुंचाना किसका काम है, प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो दुनिया के अंदर ये सोच, ये चेंजेस आना शुरू हो गए। सो रेगुलेटरी स्टेट पैराडाइम लेफ्ट द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू व्हाट, टू द मार्केट मैकेनिज्म।
यानी कि जब स्टेट ने अपने आप को कहा कि हम अब अंदा के बाद से रेगुलेटरी स्टेट होंगे, कोई मुझे रेगुलेशन की एग्जांपल दे सकता है कि आज पाकिस्तान के अंदर कैसे आप स्टेट को रेगुलेटर कहते हैं? वो एक एग्जांपल के थ्रू मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल नेप्रा, पेमरा, ओग्रा, एग्जैक्टली ये जो पेमरा है, पेमरा क्या चीज है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा प्राइवेट चैनल बना सकता है, ठीक है, लेकिन पेमरा इसको रेगुलेट करता है। ओग्रा आपका हो गया, नेपरा, ये सब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली गैस प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू भी आती है, गवर्नमेंट भी करता है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना। और हमने दुनिया के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन स्पेशली इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, पोस्टल सर्विस, टेली कम्युनिकेशन, रेलवेज, कॉमन गुड्स, एजुकेशन, हेल्थ की हमने प्राइवेटाइज होते देखा। यानी कि डीरेगुलेशन का दौर शुरू हुआ, हुकूमतों ने अपना काम कम किया, प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, एंड द स्टेट रोल्ड बैक, यानी कि स्टेट ने हर काम में टांग अड़ानी छोड़ दी। ये था गवर्नेंस बाय मार्केट। अब हमें ये समझ आ गई कि गवर्नेंस बाय हायरार्की से हम गवर्नेंस बाय मार्केट तक कैसे पहुंचे? हसन, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाट द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ द गवर्नेंस बाय मार्केट इज, एंड दैट इज व्हाई द स्टेट हैज टू प्ले इट्स रोल। सो यू कांट जस्ट क्रिटिसाइज द होल गवर्नेंस मॉडल। आप गवर्नेंस के मोड को क्रिटिसाइज ना करें हसन, कि गवर्नेंस बाय मार्केट है ही गलत। आप ये कहें कि उस गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर स्टेट ने अपना रोल सही से प्ले नहीं किया। ये स्टेट का काम है लेबर राइट्स को इंप्लीमेंट करवाना। सो इज एवरीबडी क्लियर कि व्हाई डिड द वर्ल्ड हैव टू मूव टू फ्रॉम द गवर्नेंस बाय हायरार्की टू द गवर्नेंस बाय मार्केट? ओके, बट नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर कोई मसला नहीं था, तो फिर वाई डिड द वर्ल्ड मूव टू वर्ड्स, यानी कि दुनिया में जो सोच थी, देखिए ये सोच ये ना, पहले सोच ये थी कि सब कुछ हुकूमत करते हैं, फिर ये सोच पैदा हुई कि भाई सारा कुछ हमसे नहीं होता, मार्केट का भी रोल होना चाहिए, फिर गवर्नेंस बाय नेटवर्क की एक सोच थी। वाई डू यू थिंक द वर्ल्ड मूव फ्रॉम द गवर्नेंस बाय मार्केट टू द गवर्नेंस बाय नेटवर्क? एक्सेलेंट, यस, यस, ठीक है, गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, हुआ ये कि गवर्नेंस बाय मार्केट से क्या पैदा हो गया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दौर, मैं आपको बता दिए कि वो क्या होती है। और एनपीएम के अंदर क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट डायकॉटमी, पब्लिक, अच्छा ये एक चीज होती है पब्लिक प्राइवेट डायकॉटमी, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया तो उसने इस चीज को ऑब्सोलेट कर दिया। और दुनिया में किस बेस के ऊपर फैसले होने लग गए? कॉम्पिटिशन के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये अभी भी हम गवर्नेंस बाय मार्केट ही पढ़ रहे हैं, कि गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दौर आया तो उस टाइम सर्विस डिलीवरी किस बेस के ऊपर दी जाती थी? कंपटीशन की बेस के ऊपर, किस कंपनी के पास कितने कस्टमर्स हैं, किस कस्टमर ने किस क्वालिटी की चीज ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज। ठीक हो गया, बट नाउ एज आई वॉज आस्किंग यू गाइज, वाई डू यू थिंक वी नीडेड to go towards governance by network then? So there were two huge reasons, ठीक है, दो बड़े रीजन थे। पहला रीजन क्या था? रीजन नंबर वन ऑफ व्हाई द वर्ल्ड मूव टूवर्ड्स गवर्नेंस बाय मार्केट। एक्सेलेंट एमन, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, यस। पहला, ये दूसरे में डिस्कस करूंगा जो आपने बात बोली है एमन। पहला रीजन ये था गवर्नेंस बाय नेटवर्क की तरफ मूव करने का, कि गवर्नेंस बाय मार्केट के अंदर, देखें एक प्राइवेट मार्केट के अंदर ये काम तो चल सकती है, लेकिन आप लोगों को हेल्थ पहुंचाना,
लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को बिजली देना, लोगों को गैस देना, लोगों को पानी देना, ये तो बेसिक जरूरियात है ना। अगर आप ये काम भी गवर्नेंस में मार्केट के थ्रू करेंगे तो एक मुल्क के शहरी को शहरी नहीं समझा जाएगा, उसको कस्टमर समझा जाएगा। सो दिस वॉज रीजन नंबर वन दैट इन गवर्नेंस बाय मार्केट अ सिटीजन इज इंट कंसिडर्ड अ सिटीजन, रादर अ सिटीजन इज कंसिडर्ड एज अ कस्टमर। उसको शहरी नहीं समझा जाता, उसको एक कस्टमर समझा जाता है। डू यू सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट? एंड इफ यस देन व्हाई? व्हाई डू यू थिंक इफ यू कंसिडर अ सिटीजन अ कस्टमर, व्हाई इज इट रॉन्ग? थिंक, नो, दैट्स द प्रॉब्लम ना, कि इन गवर्नेंस बाय मार्केट ऑल कस्टमर्स आर नॉट इक्वल। मरीम, यस, आपने बिल्कुल ठीक है कि देन एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन मनी। आपने अगर हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, गैस, पानी सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया है और गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे के पास पैसे नहीं है उसके पास ये सहूलियात नहीं होंगी, राइट? लेकिन स्टेट तो इस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं चल सकती ना। स्टेट के लिए तो हर सिटीजन बराबर होता है, राइट? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक बंदे के पास अगर एजुकेशन हासिल करने के पैसे नहीं है तो बस वो ठीक है, जब वो अपना काम करे वो ना एजुकेशन हासिल करे, वी कांट डू दैट, राइट? अगर एक बंदे के पास बेसिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के पैसे नहीं है तो क्या उसको नहीं मिलेगी? वो स्टेट का काम होता है सबको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पैदा आप फराहम करना। सो दैट वाज द रीजन नंबर वन दैट इन गवर्नेंस बाय मार्केट मॉडल द सिटीजंस वर कंसिडर्ड एज कस्टमर्स एंड दे शुडंट बी कंसिडर्ड एज कस्टमर्स, दे शुड बी कंसिडर्ड एज सिटीजंस, एंड इन दैट केस एवरी सिटीजन इज इक्वल। सो दैट्स व्हाई द वर्ल्ड मूव्ड टुवर्ड्स गवर्नेंस बाय नेटवर्क, कि जिसमें स्टेट अपना किरदार अदा कर सके। और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा था उसका दूसरा रीजन ये, स्टेट ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर सब कुछ मार्केट ने करना है तो हम किस लिए बैठे हुए हैं। मार्केट स्टेट स्टार्टेड टू लूज इट्स पावर, स्टेट स्टार्टेड टू लूज इट्स सॉवरेंटी। इंटरनली सारी की सारी सहूलियात मार्केट फराहम करती थी, एक्सटर्नली जो ट्रेड होता था वो या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संभालती थी या वो प्राइवेट सेक्टर संभालता था। वैसे भाई बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क की। और बिल्कुल जैसे कि एमन ने ये बात की थी कि दुनिया में नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स चेंज हो गए थे, ये मैं बात कर रहा हूं 1990 के दौर की। 1980s में आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि गवर्नेंस पर मार्केट, और फिर 1990s ऑनवर्ड हमने देखा गवर्नेंस पर नेटवर्क। दुनिया की अंदर मौजूद प्रॉब्लम्स की नेचर बदल रही थी एंड इट वाज रिक्वायर्ड के मार्केट और गवर्नमेंट्स मिलके काम करें। 1990s में प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज, प्रॉब्लम्स लाइक आप कह लें कि बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, इस तरह के मसाइल सामने आना शुरू हो गए। तो वो मसाइल मार्केट नहीं हल कर सकती। आप मुझे एक चीज बताएं, कैन द मार्केट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज? नो, दे आर द रीजन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को आप ये कहेंगे कि अपनी कार्बन एमिशंस को कम करें, उनको तो नुकसान होगा, ठीक है? पहली चीज। दूसरी एग्जांपल, क्या गवर्नेंस बाय मार्केट के थ्रू टेररिज्म को प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है? नहीं। क्या गवर्नेंस बाय मार्केट के थ्रू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है? नहीं। क्या गवर्नेंस बाय मार्केट के थ्रू पैंडेमिक्स को रिजॉल्व किया जा सकता है? नहीं। सो प्रॉब्लम्स की नेचर, बिल्कुल सही आपने बोला, नहीं कर सकते हम। ये वो रीजंस थे जिनकी वजह से स्टेट्स रियलाइज्ड कि वी नीड टू गेट बैक इनटू द बिजनेस। चले, अवैस भाई पूछ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क की एग्जांपल दीजिए, बताएं आप लोग, खुद बताएं, आप में से कोई बताएं इनको।
आई वॉन्ट टू सी हाउ डू यू गाइज एक्सप्लेन. और इसके अलावा कोविड. अच्छा और देखें द वे वी मेक आर एजुकेशन पॉलिसी, वो भी गवर्नेंस बाय नेटवर्क है. उसके अंदर सिर्फ हुकूमत एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाती, उसके अंदर अवैध चले. मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एग्जांपल है ये एनसीओ से. ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने इसके अंदर प्राइवेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर पब्लिक एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर हेल्थ के डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर सब इन्वॉल्व है. इसी तरह सीपैक, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एजुकेशन. क्या ये पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है? नहीं, ये सब मिलके करते हैं. ये नेटवर्क की एग्जाम्पल्स हैं. सो इन प्रॉब्लम्स को अगर हम वो करें, एनालाइज करें कि जो प्रॉब्लम्स गवर्नेंस बाय मार्केट के दौर में आई, जरूरत ये पड़ी कि अब हमें एक नए मोड ऑफ गवर्नेंस की तरफ चलना चाहिए. दैट वाज गवर्नेंस बाय नेटवर्क. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज थ्री मोड्स ऑफ गवर्नेंस को एग्जिस्ट. Different policy challenges require different modes of governance. I've already explained it to you because you have already asked it from me ad nauseum. To main aapko pehle hi bata chuka hu. So the overall responsibility for providing common goods and services still and would always be with the state. Jab governance by hierarchy se market aur market ke baad dobara governance mein network ki taraf shift gaya, to state ko ye baat realize hogi ki hum basic necessities faraham karne ki zimmedari nahi de sakte market ko. Health, education faraham karna state ki hi zimmedari honi chahiye. Iska matlab ye nahi hai ki uske andar private actor involved nahi ho sakte. Mera kehne ka matlab ye hai ki sab kuch private actor ko nahi diya ja sakta, otherwise to wo customer samjhne lag jayenge unko. ठीक है. सो दिस वॉज आवर जर्नी. वी स्टार्टेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस. नो 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 नो, नॉट लाइक सोशलिस्ट प्लीज, दिस इज समथिंग एल्स. नो, दिस इज नॉट सोशलिज्म. अभी भी इंटरेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के हर डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर गवर्नेंस में नेटवर्क होता है. मरियम, शुडंट एवरीथिंग विड बी ट्रांसपेरेंट? मतलब आपके सवाल के अंदर प्रेमिस ये है कि अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो गवर्नमेंट को खतरा होगा क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होती. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आपकी सवाल की सोच खतरनाक है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट. दिस इज द होल इश्यू ऑफ गवर्नेंस इन दिस कंट्री. That our country does not have, आप कह लें कि transparency. If they, that is wrong. If they want to be, if they don't want to be transparent, that is wrong. And this is what the good governance crisis is all about, which we are going to study now. Is everybody clear on the concept of governance, on the modes of governance and the historical evolution of the modes of governance? Okay, now since we have understood what governance is, now let's move towards good governance. ब्रेक. आप खुद सोचें, ये मेरी हिम्मत है और आपकी हिम्मत भी है कि अभी तक आप इतने घुसे हुए थे लेक्चर में, अभी तक आपको ब्रेक का ख्याल नहीं आया. तो अः
I'm not gonna give the break. I will end the class in next 20 minutes. Okay? क्लास खत्म कर दूंगा ताकि आपको ब्रेक वाला कंपनसेट हो जाएगा. सो नाउ विल मूव ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज गुड गवर्नेंस. अब हमने देखा कि गवर्नेंस होता है, बाय द वे अभी तक हमने गवर्नेंस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम करेंगे. तो क्योंकि सब कुछ पहले समझना जरूरी है फिर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले डेफिनेशन पढ़ देते हैं फिर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये गलत होता है. तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? हमने देखा कि गवर्नेंस का निजाम ये होता है कि जिसके अंदर फैसले लिए जाते हैं, कुछ गवर्नेंस में हायरार्की होती है, गवर्नेंस में मार्केट होती है, गवर्नेंस में नेटवर्क होती है, फैसले लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाते हैं, लोगों को हायर किया जाता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, रिसोर्स शेयरिंग होती है, ये सब गवर्नेंस है. लेकिन हर मुल्क में हर जगह हर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अच्छी तो नहीं होती. किसी मुल्क में हम कहते हैं या किसी इदारे में कि यहाँ फलाम है गवर्नेंस का निजाम अच्छा है, किसी जगह बुरा है. ये जो टर्म है गुड गवर्नेंस, हम समझ हम ये सुनते भी रहते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस मौजूद है या नहीं. तो इन सिंपल वर्ड्स नहीं है, क्योंकि गुड गवर्नेंस हम किस तरह की गवर्नेंस को कह सकते हैं? देखें, एक गवर्नेंस के सिस्टम के अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए तभी वो गुड गवर्नेंस का सिस्टम कहलाया जा सकता है. तो वो खासियत कौन सी होती है? इफ इन योर कंट्री द वे यू आर डूइंग योर गवर्नेंस, इफ इट इज इफेक्टिव, इफ इट इज इक्विटेबल. इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर आपके मुल्क में जिस भी किस्म का गवर्नेंस का निजाम है अगर वो इफेक्टिव है, यानी कि वो काम कर रहा है, लोगों की जरूरियात पूरी कर रहा है, अगर वो इक्विटेबल है. इक्विटेबल का मतलब होता है कि अगर वो हर किसी की जरूरियात देख रहा है. देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटेबल. ये दोनों फर्क चीजें हैं. इक्वल कुछ और होता है, इक्विटेबल कुछ और होता है. व्हाट इज इक्विटेबल? इफ एवरी एनीबडी वुड लाइक टू, चलिए मैं आपको समझाता हूं. इक्विटेबल का मतलब ये है कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं. लेट्स से एक आप में से एक बंदे के पास 100 रुपए, ठीक है, और आपने वो 100 रुपया दो बंदों में डिवाइड करना है. एक आपके पास बहुत अमीर बंदा है, एक आपके पास बहुत गरीब बंदा है. इक्वालिटी का मतलब ये होगा कि आप 50 रुपए अमीर बंदे को देंगे, 50 रुपए गरीब आदमी को देंगे, राइट? ना अमीर आदमी का कुछ बनेगा ना गरीब आदमी को कुछ बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने दोनों को इक्वल दे दिया, भाई दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी. इक्विटेबल का मतलब यह है कि उन 100 में से आप 90 रुपए गरीब आदमी को दें और 10 रुपए अमीर आदमी को दें. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल, ठीक है? दिस इज व्हाट इक्विटेबल मींस, कि आपने रिसोर्स का जो एलोकेशन करनी है वो इक्वालिटी की बेस के ऊपर नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू नीड्स करनी है. एग्जैक्टली. एक ऐसा गवर्नेंस जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, ऐसा गवर्नेंस का निजाम जहां पे एक मुआशरे की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो है वो किन की मर्जी से हो? ब्रॉडर कंसेंसस से हो, यानी कि लोगों की मर्जी से हो, जहां पे गरीब की सुनी जाए, जहां पे मोस्ट वल्नरेबल यानी कि गरीब से गरीब आदमी की डिसीजन मेकिंग के अंदर आवाज शामिल हो, उसकी राय शामिल हो. जब आपके गवर्नेंस के अंदर ये सारी खसूसियात मौजूद होंगी, उस तरह की गवर्नेंस को हम क्या कहेंगे? What would we call it? What the hell is GG? Good governance लिख दें. Good governance, yes. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो हर गवर्नेंस के निजाम को गुड गवर्नेंस नहीं कहलाया जा सकता, उसकी कुछ खासियत है और ये खासियत जो कि मैं भी आपको बता रहा हूं. इसी तरह गुड गवर्नेंस क्या करती है? इट हेल्स एम्पावरमेंट. भाई गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि ये लोगों को एम्पावर करती है. देखें, लोगों को एम्पावर करना है ना कि उनकी मर्जी के फैसले होना, इंडिविजुअल फ्रीडम. ये लोगों को आजादी देती है, ये लोगों को क्रिएटिव होने का मौका देती है,
एंड सेल्फ गवर्नेंस फ्रेम्ड बाय डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट डज दिस मीन. सेल्फ गवर्नेंस फ्रेम्ड बाय डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन समझना तो बड़ा आसान काम है. इसका मतलब यह है कि लोग वोट करें, लोग पार्टिसिपेट करें आपके पॉलिसी मेकिंग के अंदर, जिस तरह वोट हम करते हैं. सेल्फ गवर्नेंस का क्या मतलब है? वुड एनीबॉडी वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट सेल्फ गवर्नेंस इज? देखिए, ये जो हम मुल्क में कहते हैं ना, हमारे मुल्क में जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों के बीच में से एक लीडर चुना जाता है, यानी कि वो लोग खुद ही अपने आप को गवर्न कर रहे होते हैं. दिस इज सेल्फ गवर्नेंस, राइट? हमारे मुल्क में सेल्फ गवर्नेंस का निजाम बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि थियोरेटिकली स्पीकिंग हम पाकिस्तानियों में से ही, यानी कि इन्हीं आम आवाम में से ही हम अपने लीडर को वोट देते हैं. वो कोई अलहदा क्लास नहीं होते. ये मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूं, राइट? एक बेहतरीन सेल्फ गवर्नेंस की क्या खास बात होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू सेल्फ गवर्नेंस? थिंक अबाउट इट. ओके, फाइन. ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंसी, ओके, काइंड ऑफ. और ठीक, आप सारे सही बता रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, सही है. उसके अंदर होनी चाहिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर. एक सेल्फ गवर्नेंस फेल हो जाएगी अगर उसके अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, वो लोगों की विशेष को पूरा नहीं कर सकेगी. डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए. डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए. देखें, जिस मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स का, यू नेम मी वन कंट्री इन द वर्ल्ड के जिसकी लोकल बॉडीज कमजोर है और वो एक अच्छी उस मुल्क के अंदर निजाम है. नॉट अ सिंगल कंट्री. कैन यू नेम मी? अगर आपके जहन में चाइना का नाम आ रहा है तो यू गाइज आर रॉन्ग. चाइना के मुल्क के अंदर लोकल बॉडीज ही तो सारे काम करती हैं. उनके मुल्क में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं होते, उनके मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट्स हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. यूएई, दे डू हैव लोकल गवर्नमेंट्स, दे डू हैव डिफरेंट लोकल बॉडीज. नथिंग इज सेंट्रलाइज्ड. सो सेल्फ गवर्नेंस का मतलब यह है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इसी तरह गुड गवर्नेंस हम कहते हैं इट रिफर्स टू एम्पिरिकली ऑब्जर्वेबल पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव वे ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. यानी कि गुड गवर्नेंस के अंदर हम पॉलिसी मेकिंग कैसे करते हैं? किसी एविडेंस की बेस के ऊपर. अगर हमने नई हेल्थ या नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी है तो वो हवा में नहीं लेके आनी. गुड गवर्नेंस एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट व्हिचएवर पॉलिसी यू मेक, इट हैज टू बी एविडेंस बेस्ड. अगर आपने तनख्वाहें किसी की बढ़ानी है, तनख्वाहें कम करनी है, बिजली के रेट्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं, टैक्सेस बढ़ाने हैं, कम करने हैं, वो किसी ना किसी एम्पिरिकली ऑब्जर्वेबल रिसर्च डेटा के ऊपर होने चाहिए ना. ये आपने अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, राइट? यानी कि गुड गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए हमें कि आपने फला फैसला क्यों किया, उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास. क्लियर है? जी जी, कर सकते हैं. सो ये जो मैंने आपको खासियत बताई हैं, ये तो एक गाइडलाइन बन जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको ये कहूं कि अगर भाई आपने अच्छा इंसान बनना है तो आप जो है अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करें, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, तो आपके कैरेक्टर के अंदर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर फलां फलां चीजें होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही होगा ना. एक मतलब, यानी कि मैं आपको एक रूल बुक बना के दे दूंगा, लाइक इफ यू वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. तो इसी तरह ये भी अगर कहा जा सकता है कि अगर आपने अपने मुल्क के अंदर गवर्नेंस के निजाम को बेहतर करना है तो अपने गवर्नेंस के निजाम के अंदर फलां फलां चीजें ले आए.
तो ये जो गुड गवर्नेंस की खासियत है, ये आपके मुल्क के अंदर गवर्नेंस के निजाम को बेहतर करने के लिए एक रूल बुक है। इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द गवर्नेंस इन योर कंट्री, तो आपने किसकी रूल बुक फॉलो करनी है? गुड गवर्नेंस की रूल बुक फॉलो करनी है। यानी कि इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव इट, मेक योर गवर्नेंस मोर इफेक्टिव, मेक इट मोर इक्विटेबल, मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, मेक इट मोर अकाउंटेबल, मेक इट मोर इंक्लूसिव, मेक इट मोर पीपल ओरिएंटेड, आपके मुल्क में निजाम ठीक हो जाएगा। सो गुड गवर्नेंस कैन बी सीन एज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि गुड गवर्नेंस हमें गाइडलाइन फराहम करती है किस चीज के अंदर, हाउ टू कंडक्ट पब्लिक गवर्नेंस। जी जी बिल्कुल। हम अपने मुल्क के अंदर अगर हेल्थ का, एजुकेशन का निजाम बेहतर कर सकते हैं, तो हम किससे, आप कह सकते हैं कि किससे अपनी, क्या कहना चाहिए, आई फॉरगॉटन द वर्ड, यानी कि वी कैन टेक एग्जाम्पल्स और वी कैन टेक द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गिवन बाय द गुड गवर्नेंस। अगर मैंने अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, हेल्थ को बढ़ाना है, बेहतर करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है, तो व्हाट वुड आई वांट कि मेरे हेल्थ का, एजुकेशन के निजाम के एक इफेक्टिव निजाम हो, लोगों की मर्जी का हो, इक्विटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्वालिटी बेहतर हो, कम प्राइसेस का हो। दिस इज व्हाट गुड गवर्नेंस इज, राइट? तो आपके मुल्क के अंदर गवर्नेंस को बेहतर करने में गुड गवर्नेंस गिव्स यू दैट गाइडलाइन। इसी तरह आपने पॉलिटिकल एजेंडा कैसे बनाना है, इसको बनाने में भी गुड गवर्नेंस आपकी मदद करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिफोर द इलेक्शंस एवरी कंट्री, ओ सॉरी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी मेक्स इट्स पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, राइट? आपने, हमने कभी पढ़ते ही नहीं है कि अगर आपने फला पार्टी को वोट देना है तो क्यों देना है। तो वो जो मैनिफेस्टो होता है उसके अंदर लिखा क्या होता है, देखिए उस मैनिफेस्टो के अंदर यही बातें होती है ना कि मुल्क को मौजूद जो मसाइल हैं उनका हल हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मुल्क के अंदर क्राइसिस है एजुकेशन का, हेल्थ का, एनर्जी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, टेररिज्म का, लैक ऑफ सिक्योरिटी का, लैक ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, राइट? वो फ्रेमवर्क किस तरह का होना चाहिए, किस चीज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एक बेहतरीन फ्रेमवर्क कौन सा होगा? द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क वुड बी द वन विच वुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, राइट? और गुड गवर्नेंस के अंदर फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, लोगों की पार्टिसिपेशन की बात करें, लोगों की विशेष की बात करें, आप गुड गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने अपने इदारों के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तो आप रिफॉर्म्स लाने का जो आपका बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गुड गवर्नेंस, कि मैंने फलां इदारे के अंदर गुड गवर्नेंस का निजाम लेके आना है। तो गुड गवर्नेंस हमें क्या करता है, पब्लिक गवर्नेंस को बेहतर करने का मौका देता है, हमें पॉलिसी मेकिंग में बेहतरी के अंदर लाने का मौका देता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर बेहतरी लाने में मौका देता है। क्लियर है यहां तक? नाउ द लास्ट थिंग फॉर टुडे, कि ये जो गुड गवर्नेंस है, इसके हमने जो भी खासियात अभी तक देखी है, उससे हमें यह पता चलता है कि ये गुड गवर्नेंस का निजाम एक ऐसा निजाम है जिससे गवर्नेंस के अंदर कंपटीशन प्रमोट हो, परफॉर्मेंस के ऊपर फैसले लिए जाएं, क्वालिटी के ऊपर, बेस के ऊपर फैसले लिए जाएं, और यानी कि एक नई बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को प्रमोट करता है गुड गवर्नेंस। इफ आई आस्क यू कि गुड गवर्नेंस किस मोड ऑफ गवर्नेंस के क्लोजेस्ट है, तो वो कौन सा होगा? विच मोड ऑफ गवर्नेंस प्रमोट्स गुड गवर्नेंस? नेटवर्क, एक्सेलेंट। अब देखेंगे दोनों चीजें कैसे रिलेट होंगी, अभी आपको समझ आ जाएगी। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि व्हाई डू वी नीड गुड गवर्नेंस? इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाई डू वी नीड गुड गवर्नेंस?
ठीक है, फॉर वेलफेयर एंड एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स, ठीक है, चले चले, सही हो गया। अच्छा देखिए, इसका बेसिक रीजन देखें, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह कि गुड गवर्नेंस ही वो निजाम है जिस जो कि कंपटीशन को प्रमोट कर सकता है, परफॉर्मेंस को, क्वालिटी को और इनोवेशन को, और ये चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर मौजूद जो मसाइल हैं उनकी नेचर चेंज हो रही है। Now the problems that the world faces, they are known as wicked problems. ठीक है? इस टाइम दुनिया को, जो पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का मसला है, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म का मसला है, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर COVID-19 का मसला है, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज का मसला है। विकेट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? विकेट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दे आर इकोनॉमिक इन नेचर, दे आर पॉलिटिकल इन नेचर, दे आर सोशल इन नेचर, दे आर कल्चरल इन नेचर, मतलब उसकी डिफरेंट डायमेंशन है। COVID-19 के जो असरात हैं, क्या वो सिर्फ आप कह लें कि मेडिसिनल इन नेचर है, क्या वो सिर्फ लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है? COVID-19 की वजह से दुनिया की इकोनॉमी भी को भी फर्क पड़ा है, दुनिया की पॉलिटिक्स भी चेंज हो रही है, दुनिया का ट्रेड का सीक्वेंस भी चेंज हो रहा है, दुनिया में पावर स्ट्रक्चर, पावर शेयरिंग भी चेंज हो रही है। तो विकेट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होती है, और एजुकेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको किस किस्म का गवर्नेंस का निजाम चाहिए? वो निजाम जो कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता हो, एंड द बेस्ट वन वुड बी गवर्नेंस बाय नेटवर्क। और दूसरी बहुत बड़ी अच्छी वजह गुड गवर्नेंस की वो ये है कि इट प्रमोट्स इंक्लूजन, इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, इट प्रमोट्स पार्टिसिपेशन। ये लोगों को इंक्लूड करने का मौका देती है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, अकाउंटेबिलिटी पैदा करती है, ट्रांसपेरेंसी पैदा करती है। दैट्स वाई वी एक्वायर गुड गवर्नेंस। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो कहाँ से शुरू होगा, वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस है जो कि हमें वर्ल्ड बैंक ने दी है, कि एक गुड गवर्नेंस के क्या 8 बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड ये सारी। तो आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज कर दूं, वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, वी स्टडीड द मोड्स ऑफ गवर्नेंस, द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस, and the basic idea of what is good governance and why do we need good governance. ठीक है? What we are left with is the characteristics of good governance and the indicators of governance जो कि हम अगले लेक्चर में कर देंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस हो गई। ठीक है, तो स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा चलिए, मैं आपका ईमेल आईडी दे देता हूँ, स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। स्लाइड्स मैं इसलिए अभी शेयर नहीं कर रहा क्योंकि ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, जब वो खत्म होगा तो तब मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, जब जब खत्म हुआ करेगा साथ साथ आपको मिलती रहेगी। ओके, दिस इज माय, जो जो आपको चीज चाहिए होगी ना, देखिए एमन मैं आपको पहले बता दिया करता हूँ, साथ साथ बताता भी रहूंगा, इसलिए मैं वो सारे रिसोर्सेज जमा करके अपनी एक बुक बना रहे हैं। तो हम तो जी, मैं सारों को वही ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा रहा हूँ सलमान, लेकिन मुझे नहीं याद रहती कि मैं किस बैच को पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट कीप दैट काउंट। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू अगेन, टेक केयर ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।